लाए जा रहे हो गंगा? साड़ी है भाभी, रामेश्वरी के लिए लाया। देखो तो रामेश्वरी। बात यह है भाभी, आज मालिक के बच्चे की सालगिरह है, रात को पार्टी है। मालिक का हुक्म है कि सब क्लर्क अपनी अपनी बीवियों समेत पार्टी में शामिल। साड़ी तो अच्छी है, कितने में लाए? जी 110 में, महंगी है सस्ती। नकद लाए हो या उधार? उधार, मेरे पास कहाँ रहते हैं रुपए, भैया के नाम लिखवाया हूँ रकम। है भैया बिगड़ेंगे तो नहीं? समझा दूंगी उन्हें, रामेश्वरी के पास कोई ढंग की साड़ी भी तो नहीं। वो जो बाप के घर से 2000 चीथड़े लाई थी, कब के फटफटा गए होंगे बेचारी के। जब से शादी हुई है ये पहली साड़ी लाया हूँ रमा के। भैया से डर लगता है बुरा ना मान जाए। बड़े भाई के होते हुए ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। खैर अब गलती हो गई है तो मैं संभाल लूंगी। ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की भाभी, दरअसल दफ्तर के सब क्लर्क आ गए और मुझे घसीटकर बजाज की दुकान पर ले गए। अच्छा अच्छा, ले ये साड़ी रामेश्वरी को दिखा दे, देखकर खुश हो जाएगी बेचारी। देवर देवरानी तो दिवाला निकाल के रहेंगे हमारा, जब तक साथ है नोच नोच से खा जाएंगे हमें, और क्या। अरे आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मुझे फुर्सत नहीं। आओ ना, बहुत जरूरी बात है। वहीं से बता दो। अरे इतनी दूर से कहने की बात नहीं है। तो फिर जूता उतारो और अंदर आओ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मुझे जो कहना है इट्स सरप्राइजिंग, और मुझे जो कहना है इट्स एक्साइटिंग। मेरी बात सरप्राइजिंग भी है और एक्साइटिंग। सेम दिस साइड। ओहो, तुम इस तरह नहीं मानोगे। अच्छा बाबा चलो, मैं अभी सब्जी बना कर आती हूँ, जाओ ना। राम प्यारी बना लेगी, तुम भी इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। चलो। जी, अभी से बच्चे को सुना रही? क्या करूँ, आज रसोई भी तो मुझी को बनाना है। क्यों? रामेश्वरी पार्टी में जा रही है ना। ओहो, पार्टी तो रात को है, गंगा बाबू ने हुक्म दिया है। हाँ, और ये भी कहा है कि बड़ी को इतना बनाव सिंगार का शौक है तो छोटी का मन मर नहीं गया है। रामेश्वरी घर की नौकरानी नहीं जो 24 घंटा काम करती फिरे। ये गंगा ने कहा? हाँ, वो उसे संभाल की मेरी लगाई बुझाई की आदत नहीं। ठहर जा राम प्यारी, ठहर जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है रसोई बजाने की, जा आराम कर। तो मैं आराम करूंगी तो मालिक कहाँ क्या खाएंगे? मेरा सर खाएंगे, आने दे। ये गुलामी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलामी? गुलामी कैसे? ये साड़ी खरीदते वक्त मेरी जो किरकिरी हुई है वो मैं ही जानता हूँ। पसंद तो कर ली मगर जेब में एक रुपया तक नहीं। फिर क्या हुआ? दुकानदार ने भैया के नाम उधार देकर इज्जत रख ली, वरना यार दोस्त चंदा करने लगे थे। दोस्त तो मजाक उड़ाया ही करते हैं। लेकिन हम कब तक भैया और भाभी के मोहताज बने रहेंगे? तुम कब तक मुझे मुंह खोलने से रोकती रहोगी? सुलगती पर तेल डालना अनपढ़ औरतों का काम है। चलिए। नहीं रमा, जिंदगी भर मैं उनका दबेल नहीं रह सकता। तो क्या पार्टी में इसी मूड से जाएंगे? मुझे इतने भी अख्तियार नहीं कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीद सकूं, बाजार में इतनी भी साख नहीं कि मैं उधार उठा सकूं। नहीं रमा, किसी के सहारे जीने में कोई मजा नहीं। भैया का लिहाज करते करते मैं अपनी खुददारी भी खो गया था। अब छोड़िए इन बातों को, पार्टी में देर हो रही है, अब हंसिए। अच्छा देखो रमा, तुम्हें वहां गाना भी गाना पड़ेगा, मैं अभी से बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। बस रमा, इस घर का चौका चूल्हा संभालने में तुम्हारी पढ़ाई, संगीत विद्या सब बर्बाद हो गई। फिर वही बात, विद्या कभी बर्बाद नहीं होती। चलिए। लव यू वेरी मच। धर्म से। अरे कृष्णा, अरे तुम तो यहीं उंग रही हो, क्या बात है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। धर्म से। वो मुन्ना भी उंग रहा है? मुन्ना सो गया क्या? ऊपर फिर चढ़ना, पहले जाके बाजार से कुछ खाओ और कुछ मेरे लिए बंधवा लाओ। बाजार से? अजी बाजार से क्यों? आज रसोई में हड़ताल है। धर्म से, ये रमेश्वरी को क्या हो गया है? रमेश्वरी तो ठीक है पर उसके मिजाज ठिकाने नहीं, आज दोनों मियां बीवी पार्टी में गए हैं। पार्टी?
अजी पार्टी कैसी? जाने मेरी जूती, ना मुझसे पूछ के गए हैं ना बता के गए हैं। मैं तो भला किसी गिनती में नहीं, पर तुमसे तो पूछ के जाते। अजी इतनी हिम्मत होगी उनकी क्या? हिम्मत? हौसला कहो हौसला। आज नई साड़ी भी लेकर आया जोरू के लिए। साड़ी? हाँ, 110 रुपए की। धर्म से? अजी इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? उसे सस्ती महंगी से क्या, उसने तुम्हारा ही सर मुंडा है, उधार लेकर आया है तुम्हारे नाम पर। मेरे नाम पर? और नहीं तो क्या, आज साड़ी लाया है कल जेवर ले आएगा। तुम जिंदगी भर कर्जे भरते रहना। मैं कहती हूँ ये तुम्हारे भाई भावज नहीं, दुश्मन है दुश्मन।
जी वो गंगा अभी तक सो रहा है क्या? जी नहीं। ये चाय ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बस बहुत थापी लिया तुम्हारे हाथ का मैंने। आप कुछ नाराज हैं? अजी वो रात को पार्टी पर किससे पूछ कर गए थे? उन्होंने भाभी से कहा तो था। उन्होंने कहा था, और उन्होंने वो साड़ी क्यों लाई बगैर मेरे पूछे? मैं पूछता हूँ धर्म से कि इस हवेली का मालिक मैं हूँ या कि वो गंगा है? मैं उनकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। अजी माफी माफी नहीं चलेगी, हद हो गई। गंगा को बुलाओ, आके फैसला कर ले। फैसला? हाँ फैसला। किस बात का? अजी अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, अब हमको अलहदा रहना ही ठीक है। हाँ नहीं नहीं, जरा से कुसूर के लिए इतनी बड़ी सजा न दीजिए, हम आपके शरण छोड़कर कहाँ जाएंगे? अजी मगर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है 24 घंटे इस घर में नौकरानी की तरह काम करने की? मगर मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। तू नहीं, तेरा मर्द तो करता है। हाँ मैंने कहा और ये झूठ नहीं। हावी से अपना बच्चा भी आप नहीं संभाला जाता है। बच्चे के लिए आए रख सकते हैं मगर रसोई के लिए नौकर नहीं। रामेश्वरी का पोजिशन क्या है इस घर में? भगवान के लिए आप चुप रहिए। अजी ये क्यों चुप रहेगा? हर महीने 200 रुपया जो कमा के लाता है, और हर महीने वो रुपया आपके हाथ पर रखता हूँ। अपने रमा के लिए तो एकाना रखने की मजा नहीं। सुन लिया ना? देखिए भाभी, आप इनकी बात का बुरा ना मानिए, आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। छोटे हैं? छोटे कैसी तरह मुंह खोला करते हैं बड़ों के आगे? बड़े खुद मजबूर करते हैं मुंह खोलने पर। कभी इन्होंने अपने आप सोचा है कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी जरूरतें हैं? एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है इनके सामने, वो भी इनका मूड देखकर। अरे तू क्या? ये बेचारे तो कुछ बोलते नहीं, तू क्या बड़बड़ कर रहा है? पंच बुला लो और लिखा पढ़ी कर लो। और देख फालतू बातें सुन सुनाने का कोई मतलब नहीं है, अपना ऐसा लो और अपना रास्ता लो। ठीक है, पंच बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं। आप जो खुशी से दे देंगे मैं वही ले लूंगा। मैं दुनिया को तमाशा दिखाना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इनसे माफी मांग लीजिए, ये तो आपके पिता के समान है। पिता? तो फिर माफी भी पिता से मांगो। मैं इस नाला को कभी माफ नहीं करने वाला। ठीक है, आज से हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं, ना खुशी में ना गम में। आप बताओ मैं किससे माफी मांगू, कहाँ तक झुकू इनके सामने? अब मैं तुम और मजबूर नहीं करूंगी। भाई साहब की बेइंसाफी देखी, हवेली अपने नाम लिखवा ली और ये खंडर हमारे हिस्से कर दिया। मेरी पढ़ाई और शादी में जो खर्च हुआ उसे बढ़ा चढ़ा कर जानती हूँ कितनी रकम काट ली उन्होंने। मगर एक हिस्से बंटवारे की उलझन में कब तक पड़े रहोगे? जो कुछ भी हुआ है भगवान ने हमारी भलाई के लिए किया है। नहीं रमन, भगवान भी सिर्फ पैसे वालों का ही है। ये गलत है, भगवान हमेशा हिम्मत वालों के साथ है। मुझे तो अब सिवाय तुम्हारे और किसी पर विश्वास नहीं रहा। तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ये नौकरी छोड़कर कोई व्यापार शुरू करो। व्यापार? हाँ, नौकरी में क्या मिलेगा? वही महीने 200 रुपया। अगर बहुत तरक्की हुई तो 10 साल में 300 तक पहुँचोगे। ये तो ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए मेरे पास सरमाया कहाँ है? इस खंडेर को बेच डालो, इसके 2-4 हजार रुपये तो आ ही जाएंगे, और 2-3 हजार का मेरे पास जेवर है। तुम्हारा जेवर बेच डालो? नहीं रमा। तो क्या हुआ? तुम तो जानते हो मुझे जेवर का शौक तो है नहीं, फिर रखकर क्या फायदा? अगर यही रुपया बिजनेस में लगाया जाए तो दुगना चौगना हो सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं। ऐसा ना हो कि ना मैं इधर का रहूं ना उधर का। नहीं रमा, मैं ये जुआ नहीं खेल सकता। मगर मैं सट्टा खेलने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, हम छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुमने शायद वो कहानी नहीं सुनी। एक औरत के पास हिम्मत थी और सिर्फ एक सुई थी। सुई? हाँ, और उसी सुई से उस देवी ने एक महल खड़ा कर दिया। महल? वो कैसे? कल बताऊंगी, जुबानी नहीं सुई चला के। मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान।
वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। महल बनते हैं मिट्टी से बने सोना, किस्मत के साथ खेलो किस्मत है एक खिलौना। सुई से महल बनते हैं मिट्टी से बने सोना, किस्मत के साथ खेलो किस्मत है एक खिलौना। मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान, मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान, ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। काम है किए जा फल तो कभी मिलेगा, है आज अगर कांटे कल फूल भी खिलेगा। जो काम है किए जा फल तो कभी मिलेगा, है आज अगर कांटे कल फूल भी खिलेगा। समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान, समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। रमा, तुम्हें खुशखबरी सुनाओ। कॉटेज इंडस्ट्री की तरक्की के लिए गवर्नमेंट ने हमें 20,000 रुपया कर्ज देना मंजूर कर लिया। 20,000? मैंने कहा था ना, जो अपनी मदद आप करता है उनकी भगवान भी मदद करते हैं। भगवान ने मदद जरूर की है, लेकिन ये सब तुम्हारी सुई की करामात है, वरना मैं तो सारी उम्र क्लर्क की रहता। ये दशा तो कई वर्षों से चल रही है, और वो भी ऐसी उल्टी कि हाथ नीचे नीचे जा रहा है। हर ठेके में नुकसान, हर काम में खसारा। ना जाने लक्ष्मी माता तुमसे क्यों नाराज हो गई है, और तुम्हारे भाई पर मेहरबान, बंगले मोटरे सभी कुछ आ गया उधर, और इधर अजी इधर तो धर्म से ये हवेली भी जाने वाली है, मालूम है कितना कर्जा हो गया है। ना मैं नहीं सुनती। अजी तुम नहीं सुनती और कौन सुनेगा, मेरा मतलब कृष्णा। तुम्हारी सारी गुप्ता मैं ही सुनू क्या, गंगा को जाकर सुनाओ ना। बाप दादा की हवेली हाथ से जा रही है, कर्ज उतारने की फिक्र करे। धर्म से गंगा से मदद मैं मांगूंगा। मदद काहे की, आखिर वो भी तो उस बाप का बेटा है जिस बाप के तुम पुरखों के नाम का हमने ही ठेका लिया। क्यों राम प्यारी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अजी मेरा तो जी जलता उसके नाम से। स्टोर खोला तो मुझे ही बुलाया उद्घाटन के लिए, मेरी छाती पर मेरे ही मूंग तलने के लिए।
और मोटर ली तो सीधी रामेश्वरी मुझे दिखाने लाई, मुझे जलाने के लिए, जैसे मैंने कभी मोटर देखी नहीं। सब दिन एक से नहीं रहेंगे मालकिन। और आग लगे उस बंगले को अपने आप प्रवेश कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं। अजी वो क्या बुलाएगा, हम जाएंगे तो बुलाएगा ना, हमने तो खुद ही नाते तोड़ दिए हैं। मैं कहती हूँ हमेशा अच्छे दिन थोड़ी रहेंगे, कभी तो बेड़ा गर्क होगा उनका भी, तब चले जाएंगे। धर्म से तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है कृष्णा। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं तुम्हारी, है ना। इनमें से सिर्फ दो दे दो, मजदूर कमबख्त और भाग के बैठे हैं। ना बाबा, मैं एक छल्ला भी ना दूंगी। कल को मुन्ने की बहू आएगी, कहेगी सास ने चार जेवर भी नहीं रखे संभाल के। हाँ हाँ वो तो कहेगी। अरे क्या कहेगी, कहेगी अरे कृष्णा इतना तो सोच, अभी तुझे सास बनने में कई बरस पड़े हैं, इस वक्त तो ये बुरा वक्त निकलने दे। ना बाबा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, कल राम प्यारी को भेज के गंगा को बुलवा लूंगी। हाँ हाँ मैं बुला कर लाऊंगी। अजी गंगा को क्यों बुला कर लाओगी? तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने? आम खाने। तो उसी का तो बंदोबस्त कर रही हूँ। क्यों राम प्यारी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मालकिन। गजब हो गया छोटी बहू, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? हाँ। गंगा बाबू कहाँ है? हाय बड़े मालिक। क्या हुआ बड़े मालिक को? क्या बताओ छोटी बहू, दाना पानी छोड़कर गुमसुम हुए बैठे हैं, हवेली का गम खा गया उनको। हवेली का गम? हाँ, हवेली पर इतना कर्जा चढ़ा है, इतना कर्जा चढ़ा है कि उतारने की कोई सूरत नहीं। छोटी बहू मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, गंगा बाबू चाहे तो हमारे बड़े मालिक की जान बच सकती है मालकिन। अच्छा मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। घरवाली तुम्हारी। अच्छा तो ये भी खुशी होने वाली है। हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर गंगा साहब? यस रमा, मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, राम प्यारी यहाँ आई हुई है, बड़े भैया की तबीयत बहुत खराब है। तो डॉक्टर को फोन कर दो। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, तुम चेकबुक लेकर वहाँ चले जाना। चेकबुक? हाँ, इस वक्त रुपये का मुंह मत देखना, जो भी कर्जा हो चुका देना। बड़े भैया को अगर कुछ हो गया तो मैं भी टैक्सी में चले जाऊँ वहाँ? नहीं नहीं, तुम्हारे जाने कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं जो जा रहा हूँ। तो क्या हुआ? इस हालत में तुम्हारे लिए ज्यादा घबराहट अच्छी नहीं, मैं जाता हूँ। अच्छा, ये कर्जा किसी की जान भी ले सकता है, फिर गंगा बाबू वहाँ पहुँच रहे हैं ना। हरा भाई तुम जा, भगवान तुम्हारा भला करे बहू। भगवान भली करे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कितने का चेक लिखूं भैया? भैया कर्जा तो सिर्फ 5, जमा 5 यानी कि 10,000 का है, तुम जितनी मदद चाहे कर दो। मदद न कहिए भैया। कर दो। आप मुझे गैर क्यों समझते? कर दो ना। लिख रहा है गंगा, मैं तेरे से बड़ा शर्मिंदा हूँ, इसलिए कई बरस मिलने भी नहीं आ सका। जरा दस्तखत ही तरह से करना भैया। ये लीजिए भैया, 10,000 का चेक। 10,000? 10,000? 10,000 मिल गए राम प्यारी? मैंने सुन लिया मालकिन, सुन लिया। कहीं से डाकट है और गंगा जाने लगे तो उसे रोक लेना है, मैं शरबत बना के लाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं चलूँ? 10,000? नहीं भैया, कुछ पानी वानी पी के जाओ। नहीं भैया, मुझे जरा जल्दी है, मैं आपकी खबर सुनकर सारा काम बीच में छोड़कर चला आया। अच्छा, जीते रहो जीते रहो। 10,000? ठहरो ना गंगा बाबू, मालकिन जी शरबत ला रही है, पी कर तो जाओ। नहीं राम प्यारी, मुझे जरा जल्दी है। नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मालिक को तो चाहिए कि तुम्हारे पाँव धो धो कर पिए। नहीं राम प्यारी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम धंधो भैया, भाई की मदद के लिए 10,000 ऐसे निकाल दिए जैसे कोई 10 कौड़ी निकाल देता है। 10,000 क्या, बाप दादा की इस हवेली के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अरे नहीं गंगा, तेरी जान पर तो मैं ऐसी 20 हवेलियां कुर्बान कर दूंगी। ले शरबत पी।
तुम्हारा हाथ क्यों काट रहा है भाभी? मेरा नहीं तो देखो राम को देखो, हवेली की चिंता में घबराई हुई है, दौरे पे दौरा पड़ रहा है। अरे कल तो इनका सिर भी कांप रहा था, क्यों मालकिन? हाँ। अच्छा? हाँ। अब तो चिंता की कोई जरूरत नहीं भाभी, चलो मेरी चिंता तो दूर हुई। गंगा बाबू तुमने हमारी इज्जत रख ली। हाँ क्या टूट गया मालिक? कुछ नहीं मालकिन, बिरजू ने गिलास तोड़ दिया है। अरे अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? बच्चा ही तो है। मालकिन चाराने को नुकसान कर दिया। तो क्या हुआ, जाने दो इसे। चल चल घर चल। हेलो दस हजार कोई बात नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कब घर आ रहे हो? अच्छा राम प्यारी जी, पिला तो दिया तावीज शरबत में घोलकर, पर अब मेरा मन डर रहा है। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो मालकिन, दीवारों के भी कान होते हैं। हाय वो जिस जोगी बाबा से तू लाई थी वो किसी से कह तो नहीं देगा? भला वो क्यों कहेंगे, उनका तो रात दिन का काम है। अच्छा अगर किसी को शक हो गया तो मैं तेरा नाम दे दूंगी। पर शक होगा तब ना, आठवें दिन से धीरे धीरे पगलपना शुरू होगा। आठवें दिन? हाँ आज नहीं, लो आज कैसे होगा, और आज होगा तो हम तुम दोनों। ठीक है राम प्यारी, मैं तो देख रही हूँ गंगा पर असर हो जाए तो अपनी जमाई के लिए भी एक ताबीज बनवा कर लाऊंगी। क्यों? मेरी मुनिया को हर चौथे दिन दूसरी शादी का डरावा देता है मुआ। ठीक है राम प्यारी, बच्चे के बगैर औरत की जिंदगी क्या। हाँ मालकिन, बेचारी के कांध बाल बच्चा हो जाता तो मेरा भी जीवन सुखी हो जाता। हाँ, हो जाएगा राम प्यारी हो जाएगा। मुनिया मैं आदमी हूँ, जानवर नहीं तो दूसरा ब्याह कर लूँ, रोती क्यों है? पर और चौथे दिन दूसरी शादी करने का डरावा क्यों देते हो? जब पेट में भूख लगी हो तो कभी कभी सर को भी चढ़ जाती। पर तुम तो खा पी के मुझे कोसते हो, तुम्हारे हाथ में बच्चा नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या करूं? बाल बच्चे की भी बड़ी भूख होती है मुनिया, जब सर को चढ़ जाती है तो मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी बात का बुरा ना माना कर मुनिया। मुझे अपनी नहीं माँ की चिंता है, कोसों दूर दिल्ली में बैठे मेरे गम में रोया करती है बेचारी। शायद उसी का रोना सुनकर भगवान दया कर दे हम पर। सारा दिन मजूरी करके शाम को घर आता हूँ तो सूना अंगर नेकर ऊपर वाले पे गुस्सा आता है मुझे। घबराओ नहीं मालकिन, जोगी बाबा सच्चे होंगे तो टोना शुरू हो गया होगा। हाँ टोना? टोना कैसा? वो ये लाई थी राम प्यारी। मैं नहीं मालिक, मुझे तो मालकिन ने भेजा था। देख अगर तूने झूठ मेरा नाम लगाया तो ठीक नहीं होगा। क्यों झूठ बोल रही हो मालकिन? भगवान से डरो, वो सब देखता है। खाओ मुन्ने की कसम कि तुमने मुझे नहीं कहा था। अजी कहा इसने था और लाई तुम, मगर था किसके लिए कहीं? राम 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 मालिक, वो तो इतना सा ताबीज था। अजी इतना सा था मगर किसके लिए? राम प्यारी के लिए। राम प्यारी के लिए? अरे रामेश्वरी के लिए। धर्म से एक बार गड़बड़ हो गई थी इसलिए इस बार। धर्म से उधर फिर बाल बच्चा होने वाला है क्या? हाँ मैंने सोचा इस दफा बेचारी ठीक ठाक रहे इसलिए ताबीज मंगवाया था। क्यों राम प्यारी? हाँ मालिक उसी के लिए बनवाया था। अजी तुम भी अजीब औरत हो। क्यों? मैं पूछता हूँ कि तुम मुन्ने की माँ हो या मुन्ने के दुश्मन हो? तुम्हें इतनी समझ नहीं आती कि अगर गंगा के बच्चा नहीं हुआ तो उसके वो मोटर बंगले सब मुन्ने के नाम हो जाएंगे। मैं कहता हूँ धर्म से कि तुमको इतना धर्मात्मा बनने की जरूरत क्या है? अब तो हो गई गलती तो फिर आप उस गलती का सुधार भी सोचो। चलिए दुश्मनों की दोस्त बनने, उनके लिए ताबीज बनवाने। क्या सोच रहे हो? हुँ? इस तरह समाधि लगाकर क्यों बैठे हो? शुरू करो ना। तबीयत कुछ उचाट सी लगती है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, तुम खाओ, मैं लेटता हूँ। सुनो तो डॉक्टर को बुला। नहीं घबरा मत, मुझे ऐसा महसूस होता है मैं कुछ थक सा गया हूँ। चलो कश्मीर चले। कश्मीर? हाँ अभी और इसी वक्त। अभी? अच्छा कल से ही। कि आपको क्या हो गया है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं
मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ अभी कितने दिन बाकी हैं? नहीं बताती। अच्छा ये तो बताओ लड़का होगा या लड़की? हाँ मुझे क्या मालूम। सुनो लड़का हुआ तो उसका नाम रामेश्वर रखना, तुम्हें जो पसंद हो वो खुद ही रख लेना। मैं? मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। क्यों? जिंदगी और मौत सब उसके हाथ में। तुम मुझे रुलाना चाहते हो? नहीं नहीं आजकल तो तुम्हें हर वक्त खुश रहना चाहिए। अगर तुम इस तरह की बातें करते रहोगे तो फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? नाम की बात हो रही थी ना, मुझे रामेश्वर नाम पसंद है, रामेश्वरी का बेटा रामेश्वर। हाँ तुम मेरे पास ठहरो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी तबीयत बहुत घबरा रही है। रमा मैं डॉक्टर को फोन करके अभी आती हूँ। डॉक्टर क्या कभी किसी को जिंदगी दे सकता है? कभी नहीं। कश्मीर दे गए? कश्मीर चला गया? कब? अभी अभी तो निकले हैं। मालकिन बिचारी तो रोती हुई गई हैं। क्यों? राम जाने एकाएक क्या हो गया है मालिक की तबीयत को। पल में अच्छी भली बात करते थे और पल में पागलों जैसी। हाँ पागलों जैसी। हे भगवान, मालकिन ने रात को डॉक्टर भी बुलाया था मौसी। अच्छा हाँ? मुझे तो डॉक्टर भी पागल दिखे, घंटा भर टोटी टांटी लगा के इधर उधर देखा और फिर बोला कि कोई बीमारी नहीं है। अरे राम जाने क्या हो गया मालिक को बैठे बिठाए। घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, वही सब ठीक करेंगे। लो मैं अब चलती हूँ। अच्छा मौसी। हे भगवान, मालिक ठीक ठाक घर लौटा में हम तो प्रसाद बांटेंगे। क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? तुम क्या समझती हो मैं बहानेबाजी करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, डराना चाहता हूँ तुम्हें? लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। शायद मैं ही पागल हो गया हूँ। कौन कहता है तुम पागल हो गए हो? इससे तो अच्छा। अरे यह क्या करें, यह क्या करें? चलिए हम दिल्ली लौट चले। क्यों, वहाँ क्या है? यहाँ आए भी हमें कई दिन हो गए हैं और आपकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी आज बन ठन के। ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी आज बन ठन के। कौन गा रहा है? चरवा है। कहाँ? वो देखिए नीचे।
कहीं जो नैन मिले तो कहाँ चैन मिले, कहीं जो नैन मिले तो कहाँ चैन मिले। खेल है ये मन के चन 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 पायल चन के, हंटन हंटन कंगना खन के। ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी, आज बन ठन के। चन 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 पायल चन के, हंटन हंटन कंगना खन के। ओ ओ खुद मैनेजर के साथ वहां पहुंचते। मैंने देख लिया है आपको कितनी हमदर्दी है मुझसे। मेरा भगवान जानता है बहू, मैंने कभी तुझे छोटी दीवानी नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा। आपने ठीक ही खुशी गमी के सब नाते तोड़ लिए थे, वरना इसे वह पहन के आप यहाँ नहीं आते। जेवर, मैं तो जैसे बैठी थी तेरे आने का सुनकर वैसे भाग के आ गई, जेवर उतारने का होश ही नहीं रहा। मैंने तो उसी दिन तार दे दिया था, मिला नहीं आपको? अजी तार क्यों नहीं मिला, मगर दिल माने तब ना, मेरा दिल तो अब भी यकीन नहीं करता कि गंगा। अजी वरना खुद अपने हाथों जाके क्रियाकर्म ना करता धर्म से। अजी क्रियाकर्म भी क्या करते बेचारे, लाश तो जाने किस पाताल में गिरी, जो लाख ढूंढने पर भी ना मिली। छोटी बहू, इतने बड़े बंगले में तुम्हारा अकेले रहना अच्छा नहीं, किसी को कीचड़ उछालते कितनी देर लगती है। इस बंगले की एक एक ईंट बनकर वो हमेशा मेरी रक्षा करते रहेंगे। बहू तुम कहो तो फिर हम ही यहाँ रहने आ जाए। हाँ बहू, हमारे यहाँ तुम्हारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं अकेले नहीं, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे पति की याद मेरे साथ है। वो तो ठीक है, पर दुनिया तो नहीं देख सकती तुम्हारा भगवान और तुम्हारे पति की याद। दुनिया से वही डरते हैं जिनके मन में पाप होता है। तुम्हें हमारे मन में पाप दिखता है बहू? मैंने तो ये नहीं कहा, आप समझ ले तो आपकी मर्जी। चलो जी चलो, सास बाकी बना दिया हमें, अभी और कुछ सुनना बाकी है? अरे क्या सुनना है, बेचारा कमा कमा के सब छोड़ गया, इसके लिए इसकी आंखों पर धन की चर्बी उतर आई है मालकिन। और क्या, सगे जेठ जेठानी से कोई ऐसा बर्ताव करता है? राम प्यारी, हमारा यही कसूर है ना कि ये कश्मीर रह गए और मैंने जेवर नहीं उतारा। हाय कसूर का है कहा? अजी बात बनाने से क्या फायदा, इसको हमारी कोई परवाह नहीं, हमने देख लिया। ए राम प्यारी, जूता लेके आना। हाँ हाँ राम प्यारी, दफा करना। आ, दफा तो कर दिया मालकिन, पर चुपके से कंगन उतार दो, जो तुमने चाहा सो हो गया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ठहर तो सही ले, पर जोगी बाबा से ये तो पूछा कि लड़की होगी कि लड़का? अरे यहाँ आती तो कुछ भी नहीं होता, पर बड़ी जिद की पक्की है, न तुम्हारे रोने से नरम पड़ी और न बदनामी के डर से ही। और क्या,
अजी बदनाम तो मैं एक दिन में कर दूं, मगर मैं सोच मगर क्या, जो करना है शौक से करो। जिसके साथ जरा हमारा रिश्ता था वो तो रहा ही नहीं, इस औरत का घमंड जरूर तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मालकिन, अरे मुझे तो ऐसे खाने को दौड़ी जैसे मैं उसका दिया खाती हूँ। मैं तो कहती हूँ जी भर कर बदनाम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ठीक है ना? ठीक है, मगर तुम नहीं समझती, मैं बड़ी लंबी सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुन्ने की भलाई के लिए अभी ऊपर से मीठे बने रहना ही ठीक है। ये भी ठीक है, क्यों राम प्यारी? बिल्कुल ठीक है मालिक। धर्म से ये कहाँ का ऑर्डर है? जी लखनऊ का, ऑर्डर के साथ 1000 का चेक भी आया था। अच्छा, और ये 4000 का माल बिल्टी के अगेंस्ट। अमृतसर सिल्क मिल को ड्राफ्ट भेज दिया था ना? जी हाँ, ये देखिए। ये गाड़ी में रखवा दीजिए, मैं घर पे देख लूंगी। जी बहुत अच्छा। मालकिन आपके जेठ जेठानी आए हैं? कब? अभी। मुझे तो जेठानी से जेठ अच्छा दिखता है। तू नहीं जानती उनको? नहीं मालकिन, जेठानी ने एक बात कही तो जेठ ने उसे मेरे सामने डाल दिया। क्या कहा उसने? यही कि अभी आपके शोक के दिन है, ये हिसाब की जांच पड़ताल के। क्या करूं गोमती, कामकाज में दिल तो लगाना ही पड़ेगा। हर वक्त गमगीन रहकर मैं ये नहीं चाहती कि उनकी निशानी पर बुरा असर हो। अब तुम कुछ भी कहो मालकिन, तुम्हारी जेठानी की जबान बड़ी लंबी है। आज मेरे सामने कहा, कल किसी और के सामने जा कहेगी। अच्छा अच्छा, तू जाकर उन्हें कुछ ठंडा पिला। कहीं अपने ही मुझ पर कलंक न लगाते, इनसे बनाकर ही रखने में मेरी भलाई है। मालकिन आ गई है, आप शरबत पीजिए। शरबत? कृष्णा, अरे तू पगली हो गई है क्या? ये शरबत चाय का मौका है। ले जा भी ले जा, इस अफसोस के मौके पर शरबत बरबत नहीं पिया जाता हमसे। मगर भैया ये दुख तो जिंदगी भर का है, मुझे देखिए मैं भी तो खा पी रही हूँ। दुखी रहो। मेरी तो कमर तोड़ गया गंगा। तू चाहे हमें लाश परे हटा, मगर ये कोई दिखावा थोड़ी है। वो देवर तो मुझे बिच्छू की तरह काट रहा, एक सब उतार दिया। मगर भाभी काहे को उतार दिया, जो होना था वो तो हो चुका। पर दुनियादारी भी तो कोई चीज है कि नहीं? ये बेचारे तो सब काम छोड़ बैठे हैं, हजारों ठेके रोज आते हैं, एक भी नहीं लिया। सगा भाई था, माँ बाप भी तो एक ही थे, कोई दिखावा थोड़े है। लेकिन भैया अब तो मुझे आप लोगों का ही सहारा है। इसीलिए तो आया हूँ भाऊ, ये हजारों का कारोबार है तुम्हारा, ये मैनेजर करन दे तो बेड़ा गर्क कर देंगे। ये तो यही सोच रहे हैं कि ठेकेदारी चाहे छोड़नी पड़े, पर गंगा जो फुलवाड़ी लगा गया है उसकी रखवाली अपने हाथों से ही करें। मेरा दिल तो दुखी हुई आंख है, जिसमें हवा से भी दर्द होने लगता है। उस दिन जो मुंह में आया मैंने कह डाला। तो इसमें क्या हुआ, नाखून कभी मार से अलग हो सकता है धर्म से? मैंने तो कहा था इनसे कि मुख्तार नामा लिखा लो, बहु दस्तखत कर देगी। मगर भाभी सब कुछ आप ही का तो है, इसमें मुख्तार नामे की क्या जरूरत है? इसमें तो बदनामी होगी आपकी। बदनामी कैसे होगी बहु? सुनने वाले कहेंगे कि आप शायद इसी ताक में बैठे थे। मैं जरा मुख्तार नामे की कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम करो। हाँ बहू, इन दिनों तुम जितना आराम करो उतना ही अच्छा है, तुम्हें हिसाब किताब देखने की क्या जरूरत है? ये देख लिया करेंगे बेचारे। अच्छा बहू हम भी चलते हैं, हवेली में मोहल्ले वालियां बैठी होंगी अफसोस के लिए। चलो जी। अरे चलो जी क्या, जाके पता करो ना। हाँ। शेठ महाराज कृष्ण जी, आप यहाँ कैसे मिशन साहे जी? हाँ जी, वो अपने गंगा साइकिल रखा हुआ है ना। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खरीद से तो है ना जी, मेरे यहाँ भी लड़की हुई। लड़की? धर्म से, खैर भगवान की देन है, वरना तीसरी शादी के बाद तो कम से कम लड़का होना ही चाहिए था। मालिक की मर्जी। नमस्ते। नमस्ते। मालिक की मर्जी।
धर्म से। बहुत बहुत बधाई हो छोटी बहू, मैं भगवान से रात दिन मनाया करती थी कि तुम्हें लड़का ही हो। अच्छा हुआ देश जाने से पहले मैंने ये भी खुशी सुन ली। लड़के का सगा ताव हमको उठ ही दिया। अच्छा भाई, मेरे तो बदन पे इस वक्त कोई जेवर नहीं है, नहीं तो तुझे 10 तोले का हार देती। ये ले 100 रुपए, मैं लड़के की सगी ताई हूँ। थैंक यू। ओहो भाई, अंग्रेजी तो अपने समझ में नहीं आती है, बाहर जाके बोल। हाँ ये दुआ कर कि मेरे बच्चे की उम्र बड़ी लंबी हो। भाभी बच्चा कहाँ है? मुझे 1 बजे की गाड़ी से बनारस जाना है, अपना लाल तो देख जाऊँ। हाँ हाँ जा देखा राम प्यारी, 15 नंबर का बच्चा है। 15 नंबर का? हाँ 15 नंबर का, बड़ा सुंदर है मेरा लाल। और मेरे साथ। अच्छा राम राम छोटी बहू। राम प्यारी जा रही है? हाँ उसे मैंने ही जवाब दे दिया है, मुन्ना बड़ा हो गया ना। तुम घर जाओ भाभी, कब से मुन्ने को छोड़कर आई हूँ। तेरा गेट संभाल लेगा, मैं सारी रात यही रहूंगी। बच्चा तुझे बेआराम करेगा, मैं अपने पास सुला लूंगी। नहीं भाभी, वो तो बच्चों के वार्ड में रहेगा और शायद मुझे भी नींद का टीका लग जाए। तुम सुबह ही आना भाभी। तो फिर राम प्यारी से कह देती हूँ 2-4 दिन ना जाए, तेरी सेवा के लिए तेरे पास रहे। नहीं भाभी, नर्से है ना यहाँ, आप गाड़ी में चले जाइए। ये राम प्यारी को दे देना, ड्राइवर से कहना उसे भी स्टेशन छोड़ दे। हाँ ठीक है, उसकी गाड़ी का वक्त भी हो रहा है। और भाभी सुबह मुन्ने को भी साथ ले आना, बहुत दिन से उसे देखा नहीं। अच्छा चले आऊंगी। अरे बच्चा कहाँ गया? सिस्टर नंबर 15 मिसिंग। कहाँ जाने टाकी? 15 नंबर का बच्चा घूम रहा है। मेरा बच्चा नहीं, कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं कहाँ है मेरा बच्चा? पुलिस को बुला दीजिए। नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा। चलिए मुझे तो शक है कि बच्चे के गायब होने में नर्स का हाथ जरूर। लेकिन मैंने तो सुना है नर्स खुद बेहोश थी। हाँ पुलिस आई है तहकीकात करने, सब पता चल जाएगा। आपकी ड्यूटी कब से थी? 11 बजे से। जब आप आई तो बच्चा यहीं था? जी हाँ, इसी जगह सो रहा था और 4 बजे तक यहीं था। 4 बजे मैंने कॉफी पी और उसके बाद आप सो गई? मैं सोई नहीं थी, बेहोश हो गई थी। कॉफी कहाँ से पी थी? अपने थर्मोस से, मैं हमेशा घर से लाती हूँ। थर्मस कहाँ है? वो हौसला रख बहू, हौसला रख, रामेश्वर मिल जाएगा। तेरा जेठ बेचारा बड़ी भाग दौड़ कर रहा है। बच्चे देख कोई आया था? जी हाँ, इनके आया राम प्यारी। राम प्यारी कहाँ है? अगर वो तो 1 बजे की गाड़ी से बनारस चली गई। लेकिन बच्चा तो 4 बजे तक अस्पताल में था। धर्म से आप कैसे कह सकते हैं कि राम प्यारी वाकई बनारस चली गई? हजूर मेरे घर से तो रामेश्वरी की गाड़ी में बैठकर गई थी, जनाब चाहे तो उसे बनारस से वापस बुलवा दो। आप पता लिखवा दीजिए, हमें जरूरत होगी तो हम खुद बुलवा लेंगे। तो नोट कर लीजिए जनाब। आप गंगा साहेब जी के सगे भाई हैं ना? जी हाँ बिल्कुल सगे।
एक माँ एक बाप अलग जरूर रहते थे, फिर भी एक दूसरे पर जान देने को तैयार। अभी पिछले दिनों ही मुझ पर एक विपदा आन पड़ी थी, तो बेचारे गंगा ने फौरन 10,000 का चेक लिख कर दे दिया। आपको तो मालूम ही होगा जी, धर्म से। ले बहू, जब तक तेरा लाल नहीं मिलता मुन्ने को अपना ही समझ। हाँ बहू, अपने पास तो जो सरमाया था तेरे सामने लाके रख दिया है। हाँ बहू, अब मुन्ना तेरा ही है, चाहे इसे रख चाहे फेंक दे, अब हमारा मुन्ने से कोई वास्ता नहीं। नहीं भाभी, माँ बनकर मैं समझती हूँ कि माँ का दिल क्या होता है। मैं आपका बच्चा नहीं लूंगी। ओहो बहू, अरे बच्चा तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। एक के बाद दूसरा गम आन पड़ा, बर्दाश्त करने के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए ना। अगर तेरा दिल मुन्ने से लग गया तो हम भी सुखी हो जाएंगे, औलाद और मांगते किस लिए हैं। माफ कीजिए, आप लोग बाहर तशरीफ रखिए, मुझे रामेश्वरी देवी से कुछ पूछना है। अच्छा चलो, हमारा बच्चा मिल जाएगा ना। क्यों नहीं, थैंक यू। अच्छा अरे हाँ ना, रामेश्वरी देवी आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी जी नहीं, मगर मेरा बच्चा तो मिल जाएगा ना। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे का कुछ पता चला? नहीं अभी तक नहीं। अरे राम, ममता की मारी माँ का ना जाने क्या हाल होगा। वाकई बहुत जुल्म हुआ है उस बिचारी पर। दूर ये नंबर जमुना के पुल पर मिला। नंबर 15, बच्चा दरिया में तो नहीं फेंक दिया गया? वेरी सैड, बेचारा दुनिया में आया और खत्म कर दिया गया। लेकिन रामेश्वरी देवी को इसका पता नहीं चलना चाहिए, उसकी उम्मीद टूट गई तो। मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ, बेचारी इसी आस पर बिशन साहेब के लड़के से प्यार कर रही थी। रामेश्वरी देवी को किस पर शक है? किसी पर भी नहीं, बच्चा देखने सिर्फ राम प्यारी गई थी, लेकिन उस पर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। रामेश्वरी देवी ने खुद रुपया देकर उसे विदा किया और उनका ड्राइवर उसे खुद 1 बजे की गाड़ी में बिठा कर आया। बिशन सहाय और मैनेजर पर भी रामेश्वरी देवी को कोई शक नहीं। बिशन सहाय तो मुझे बेवकूफ और बड़बड़िया आदमी मालूम होता है, पर दिल का अच्छा है। बेवा भावज की झोली में अपना इकलौता बेटा डाल दिया। बच्चा कहीं गलती से तो नहीं उठाया गया? मैं भी यही सोचता हूँ, नन्हे बच्चे सभी एक जैसे होते हैं और कभी कभी तो बच्चों की माओ को खुद धोखा हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब क्या बात है फिर जी? ये चिट्ठी पड़ी है, आज ही सुबह को आई। किसकी चिट्ठी है सेठ जी? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं अपनी बच्ची को अस्पताल से घर लिए जाता हूँ, वहां उसकी जान का खतरा है। इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए किसी को यह ना मालूम हो कि यह किला मैंने आपको दिया। ये चिट्ठी किसकी है? ऐसी चिट्ठियों पर अपना नाम लिखता है कोई? लो पढ़ लो। मेरी दुश्मनी का पहला वार गलत पड़ा, तुम्हारी बच्ची की बजाय किसी निर्दोष की हत्या हो गई, पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सावधान, इस दुश्मनी की वजह जानते हो क्या है? तुम्हारी तीसरी शादी। अब तो हमारी तफ्तीश का रुख ही बदल गया। मां, ले मुन्ना, तेरी सुन्नी गोधारी कर ले, ये बच्चा नहीं। किसका बच्चा है मां? ये मेरी एक सहेली का, इसे जन्म देते ही बेचारी मर गई। मर गई? हाँ, तेरा मर्द बच्चे के लिए ही दूसरी शादी करना चाहता था ना, अब तू इसकी माँ बन और बाप। पर माँ, इसका बाप तो नहीं लेने आएगा? अरे बाप क्या स्वर्ग से लेने आएगा, वो तो कभी का मरमरा गया। हाँ, विधवा कहाँ है? मजूरी पे, दिन ढल आएगा।
माँ बच्चा तो किसी अच्छे घर का दिखता है। तेरा सिर दिखता है। बुधवा से भी ये ना कहना कि मैं इसे दे गई हूँ। फिर क्या कहूँ? अरे तुझे बच्चा चाहिए या सौद? बच्चा तो फिर मैं जो समझाऊँ वही कहना। समझा। देख इधर कोई बावड़ी तालाब है या नहीं? है ना, लखा की बावड़ी नजदीकी तो है। तो बस कह देना बावड़ी पर पड़ा था, कोई बिन ब्याही बदनामी के डर से फेंक गई। बकरी का दूध पिलाती रहना, जिंदगी हुई तो पड़ जाएगा, समझे? अच्छा मैं जाती हूँ। पर माँ जमाई से तो मिलके जाओ। लाए से बावड़ी फेंक दी। नहीं नहीं माँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी तुमने दिया। फिर अच्छी तरह याद कर ले, बावड़ी पर पड़ा था, बावड़ी पर पड़ा था। कोई बिन ब्याही फेंक गई थी बदनामी के डर से। ठीक हौसला ना हारिए रामेश्वरी देवी। सेठ महाराज किशन के नाम जो गुमनाम चिट्ठी आई है उससे साफ जाहिर होता है कि आपका बच्चा गलती से उठाया गया है। आपसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। अब तो इसी आस पर जीना पड़ेगा। भगवान वो जहां भी हो उसे सुखी रखना, सुखी रखना। मुनिया, अरे ओ मुनिया, आज दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? शोर क्यों मचाते हो? ऐसा नहीं बोल सकते। आहा, आज तो मुखड़े पे बड़ी रौनक है। जमाले भाई जमाले रो, आज तो तेरा जमाना है। अब नहीं सहूंगी तुम्हारी धौंस, कर ले दूसरी शादी। भगवान ने आज मुझे बेटे की माँ बना दिया। माँ? हाँ। अरे जब तक मैं बाप नहीं बनूं तू माँ कैसे बन सकती है? सच बताऊं, बाड़ू पर पड़ा था एक बच्चा, मैं उसे उठा कर ले। बच्चा आदमी का था या जानवर का? आदमी का। कोई बिन बिहाई फेंक गई होगी बदनामी के डर से। अरे मूर्ख क्यों उठा लाई ऐसे बच्चे को? ऐसा वैसा क्या, बच्चा तो बच्चा ही होता है। बकरी का दूध पिलाते रहेंगे, बन जाएगा। बन जाएगा तेरे मुंह में खांड। चल मुझे बच्चा दिखा। हाँ 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 हाँ, बच्चे का मुंह तब दिखाऊंगी जब मुझे सोने की नथ बनवा के दोगे। बड़ा प्यारा बच्चा है। तुमने किसी से बात तो नहीं की? ना ना ना, मैं इतनी मूर्ख नहीं। अच्छा तो फिर चल सामान बांध यहाँ से चले। क्यों? अगली पुलिस का कोई झंझट खड़ा हो गया तो ना तू माँ बन सकेगी ना मैं बाप बन सकूंगा। कब तक हम इस गाँव में बच्चों को छुपा के रह सकते हैं? जाएंगे कहाँ? वो जहाँ कोई हमें जानता पहचानता ना हो। मैं समझूं दिल्ली चले। हाँ 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 हाँ, तुम है तो बुधुआ लेकिन बात बड़ी अकल की। आज आपको रामेश्वर एक साल का हो गया होगा। मुझे रामेश्वर पसंद। रामेश्वरी का बेटा रामेश्वर। घूम दे भगवान ने मुझे सब कुछ दे के छीन लिया। वाकई अगर भगवान ने हमें किसी पर अर्पण किया तो हम भी अपने बच्चे की सालगिरह इसी पर। मैं चाहती हूँ अपने रीता की सालगिरह खूब धूमधाम से बना। मैं क्या हूँ, मैं एक पल के लिए नहीं भूल सकता कि हमारे दुश्मन ने बेचारी रामेश्वरी की गोद को सुना। भगवान हमारी बच्ची के सर से हर बला को मैं इसे एक दिन रामेश्वरी की झोली में डालकर सबको दे जाऊं। नहीं नहीं, मैं अपने लाडली को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूं। बेटी पराया धन होती है जमीन, पाल पोसकर आंखों से दूर करना पड़ता। भगवान वो दिन तो लाए, देखी जाए। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब रीता भी परवान चल जाएगी और राजेंद्र भी।
राजेंद्र बिशन कहा का लड़का? अब रामेश्वर ही का लड़का, माँ से ज्यादा देखभाल कर रही है राजू। तेरा ध्यान राज, तुझे खेलना है ना, तो पहले थोड़ा सा पढ़ना, फिर बिज्जू के साथ खेलना। चल मालकिन, कोई नौकरी पूछने आया है, मैंने बहुत कहा कि कोई जगह नहीं है पर। अच्छा बुला लो उसे। बहुत अच्छा, चलो मालकिन। राज ने आज फिर मारा है मुझे। अच्छा उसने फिर तुझे मारा? हाँ। क्यों तुमने इसे मारा? हाँ। चलो माफी मांगो। नहीं बिज्जू यहाँ देखो, तुम जाकर खेलो, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। अच्छा जाओ। ये है मालकिन। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी हजू, और रहने के लिए अगर एक छोटा सा क्वार्टर भी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास कोई जगह है? किसी ने नहीं हजूर, उधर से जाते जाते पांव ना जाने अपने आप कैसे इधर मुड़ गए। देखो भैया, मेरे पास तो इसका कोई काम नहीं, कहीं और तलाश कर लो। कोई बात नहीं हजूर, माफ करना। सुनो भैया, तुम अकेले हो या? नहीं हजूर, बीबी है, बच्चा है 1 साल का, हम तीनों आपके चरणों में पड़े रहेंगे हजूर। बच्चा कल से आ जाना। बड़ा उपकार होगा हजूर, हुक्म हो तो मैं बाल बच्चों को अभी ले आऊं, जिस झोपड़ी में रहते हैं कमेटी वाले सांझ तक उसको उखाड़ देंगे। अच्छी बात है, जाओ अभी ले आओ। माली जी, इन लोगों के लिए क्वार्टर खाली करता हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा धन्यवाद है आपका, मुझ गरीब पर थोड़ी कृपा कर। ऐसी कोई बात नहीं भैया, अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए बस इतनी प्रार्थना करना कि मेरा कलेजा भी ठंडा हो। हे भगवान, मेरी सब खुशियां मालकिन को देना। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भैया। मुझे चरणदास कहते हैं मालकिन। भगवान की ये लीला इंसान नहीं जाने, क्या क्या वो खेल खेले ये कोई न पहचाने। बिछड़ों को भी मिला दे तकदीर के बहाने, समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान, समय है बड़ा बलवान, समय है बड़ा बलवान। मालकिन ये है मेरी घरवाली और ये है मेरा बच्चा। अरे पहुंचू मालकिन की पगड़ी। कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा ही सुंदर है। हाँ मालकिन, बिल्कुल अपनी माँ पे किया है। क्या नाम है इसका? केशव। तुम्हारे कितना बच्चे है? मेरे एक। हमारा भी यही एक है। अरे चल, अब मालकिन के चरणों में तो आ ही गए हैं, फिर किसी दिन आके बातें करें। चल तुम लोग क्वार्टर में सामान रखो, बच्चे को थोड़ी देर मेरे पास रहने दो। नहीं मालकिन, बहुत तंग करेगा तुम्हें। माँ बच्चे से कभी तंग नहीं होती। मैं तुम्हें कह नहीं सकती कि मुझे कितना प्यारा लगता है, थोड़ी देर से मेरे पास रहने दो। बहन तुम यहाँ बैठे बैठे चिलम फूकते रहो और उधर राजेंद्र के बच्चे ने मार मार के बुरा हाल कर दिया मेरे बिरजू का। अब रोज रोज हड्डियां नहीं तोड़वा सकती अपने बेटे की। हाँ अरे तो क्या नौकरी छोड़ दूँ? अरे छोड़ दो ना, घर की आधी अच्छी। और मालकिन जो अपने बिरजू को स्कूल भेजना चाहती है? ना बाबा, हमें बाबू नहीं बनाना, मजदूरी ही तो करनी है, यहाँ ना सही बनारस में सही। अच्छा अच्छा, जैसे तू राजी मेरे बिल्लो, मैं तो तेरा गुलाम हूँ गुलाम। तो जाओ मालकिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो और कहना कि राजेंद्र के डर से ही बिरजू को यहाँ से ले जा रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा ले। रामेश्वरी सुखी रहो, सुखी रहो, बच्चा जीता रहे। कोई नया नौकर रखा क्या? जी तुम उसे पूछ तो लिया होता, बगैर पूछ पड़ताल के नौकर रख लेते हो, घर से कोई चोर चौका निकला तो। बाल बच्चे वाला आदमी कुछ तो भगवान से डरता है।
ये स्वेटर मेरे राजेंद्र के नाक का तो नहीं मालूम होता, किसके लिए बना रही हो? रामेश्वर के लिए शुरू किया था, ऐसे ही रह गया, अब इस नौकर के बेटे के लिए पूरा कर रही हूँ। गैर के बच्चे को लाख अपना बनाओ, वो फिर भी गैर रहेगा। रामेश्वर को तो जी भर के देख भी नहीं सकी, मेरी ममता भूखी रह गई, मैं जाने क्यों। ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। हम अपना बच्चा तेरी गोद में डालकर खुद भूखे हो गए हैं बहू, क्या मेरे राज से भी तेरी भूख नहीं मिटी? धर्म से हमने जो कुर्बानी दी है ना बहू, वो बड़ी हिम्मत का काम है। भला ये नौकर तुझे अपना बच्चा देगा कभी? तुम मुझसे सचमुच जा रहे हैं? हाँ। ये क्या हम आए और आप लोग चल दिए? क्या करें भैया, ना रोज रोज बिरजू की हड्डियाँ तोड़वा सकते हैं, ना रोज रोज मालकिन से शिकायत अच्छी लगती। ना मालकिन का बच्चा चोरी होता, ना ये सांड इस बंगले में आता। मालकिन का बच्चा चोरी हो गया था क्या? हाँ भैया, एक बरस हुआ गलती से किसी ने अस्पताल से उठा लिया था। एक ही दिन का था कि माँ की गोद से छिन गया बेचारा। और ये राजेंद्र? ये तो मालकिन के जेठ जिठानी का है, वो दोनों तो ऐसे धर्मात्मा है कि अपना इकलौता बेटा मालकिन की झोली में डाल दिया, पर ये बेटा जाने किस राक्षस पर गया है। कागा कागा, तुम्हारा किशोर रो रहा है। हाय राम, देखा दोनों कैसे भाग गए। ऐसा होता है औलाद का प्यार। क्यों रे, तू फिर उस मुए के साथ खेल रहा था? अरे तुम मारती काहे को है? तुम चुप रहो जी। चुप हो गया, चलो जल्दी करो तैयार हो जाओ, मुआ छोड़ो, चलो। एक बरस हो गया मालिक, मुनिया और उसके मर्द का कोई पता नहीं चला, ना जाने कहाँ चले गए, रातों रात गांव से गायब हो गए मालिक। अरे जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, तू यहाँ क्यों चली आई है? इतना पैसा दिया तुझे, आराम से बैठ कर खा, इतना क्यों भटक के फिर रही है? माँ जो कह रही मालकिन, ममता बड़ी बुरी चीज है, कहीं नहीं टिकने देती है। अरे वो बच्चा तो दरिया में फेंक दिया था ना? हाँ फेंक दिया था। तुझे मालूम है वो पुलिस अभी तक तहकीकात कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि तेरे दिल्ली में अब एक पल भी ठहरना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ मुझ पर तो शक नहीं मालिक, तुझे पर तो है और किसी पर नहीं। अगर तू मेरी माने तो आज दिल्ली छोड़कर भाग जा। हाँ धर्म से तेरा पता भी पूछा था पुलिस ने। मेरा पता पूछा था? हाँ। तो आपने बताया तो नहीं मालिक। अजी हम पागल हैं क्या? बनारस का उल्ट सुल्ट लिखा दिया था कुछ? अरे राम प्यारी तेरी कसम, पुलिस वहाँ भी पहुँच जाती तेरे पीछे। वो तो इन्होंने ही ध्यान पलट दिया दूसरी तरफ, और कुछ भगवान ने हमारी मदद कर दी, वरना बनारस से लौट कर पुलिस इनकी गर्दन पकड़ती। धर्म से हाँ क्यों गलत बता दिया? हाँ राम, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे सुनकर। घबराती क्यों धर्म से? चल तुझे बनारस छोड़ के आता हूँ, वहाँ तेरे लिए अच्छा सा रहने का ठिकाना बना दूंगा। हा? बनारस? हाँ। इधर आओ, इधर आओ। धर्म से पैसा मिला तो बेटी खो गई, मैंने अपनी करनी इसी जुग में पाली, चारों समय मेरी कोख जलती रहती है। हे भगवान मुझे क्षमा कर, क्षमा कर भगवान, क्षमा कर। इसे बनारस पहुंचाकर अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ा मारोगे क्या? धर्म से तू नहीं समझी, पुलिस को गलत पता देने के इल्जाम से तभी बचूंगा जब इसका बनारस में मुझे ठिकाना पता चलेगा। कोई गड़बड़ हुई तो इसका नाम जड़ दूंगा, पुलिस को ले जाकर सामने कर दूंगा, मेरी गर्दन तो छूटेगी। और तब ये ना बक देगी कि बच्चा हमारे कहने से उठाया। अरे मगर तब मैं ना बक दूंगा कि इसकी बेटी की औलाद नहीं थी, उसके लिए इसने बच्चा चुराया है। देख लो, सब सोच समझ लो। क्या सोच समझ लो, इतना बखेरा जो डाला तो बगैर सोचे समझे डाला है क्या? अरे बड़ी लोग भगवान पर अपनी डोरी छोड़, जिसने पहले भक्तों की रखवाली की है वही रखवाली फिर भी करेगा, और इसी बहाने मैं गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने पाप भी धो डालूंगा। अच्छा धर्म से, तो एक डुबकी मेरे लिए भी लगा देना। हाँ, ताकि डूब भी जाऊँ क्या? अच्छा बाबा लगा दूंगा, ऐसा बोल तेरे पाप तो इधर ही धो जाएंगे। अरे राम प्यारी जी मालकिन, इन्होंने ठीक ही सोचा है, तू इनके साथ बनारस चली जा। धर्म से वहाँ साधु संतों की सेवा और हरि कीर्तन में तेरा मन लगा रहेगा। और क्या राम प्यारी, अरे क्या धरा है मुंह ममता में, गंगा माई के तट पर भजन कर और अपना जन्म सुधार। धर्म से बस ठीक है, मुझे वही छोड़ाइए जहाँ आपका भी भला हो और मेरा भी। धर्म से
गोरखपुर तो मेरे लिए उजाड़ हो गया। मुन्ना कहाँ है मालकिन? मुझे कभी याद करता है कि नहीं? अजी याद क्या राम प्यारी, वो तो तेरे ही गुण गाएगा जब गंगा की जायदाद का वारिस हो जाएगा। रामेश्वरी के पास ही रहता है, हम रोज देखाते हैं जाकर। धर्म से बेटे की तरह गोद खिलाया उसे, जाने से पहले एक नजर देखा हूँ उसे। हाँ देखा, मगर जल्दी आ जाना। जल्दी आ। राम प्यारी। जी मालकिन। है जरा तेरा वहां जाना ठीक नहीं। क्यों? न जाने मेरा दिल क्यों गवाही नहीं दे रहा है तेरे रामेश्वरी के घर जाने से गड़बड़ ना हो जाए। भला गड़बड़ क्या होगी मालकिन? अरे तू नहीं समझती राम प्यारी, इस कलयुग में तो मुए गड़े मुर्दे भी उखड़ आते हैं। ठीक है ना राम प्यारी? तो बस फिर तू यहीं बैठ जा, आज रात की गाड़ी से बनारस चली जा। ससुर जेठ देवर कोई नहीं। और माँ बाप? माँ है वो भी कोसो दूर, मैं दिल्ली आई वो गोरखपुर चली गई। तो पहले वो भी दिल्ली में थी? हाँ एक ही वर्ष तो हुआ है नौकरी छोड़े, किसी से क्या आया थी। अरे यो मुनिया, वो मेरी निस्वार की डिबिया खा रखी है, चल दे। चल। तुम्हारा नाम मुनिया है? मेरे जेठ के यहाँ जो आया थी उसकी लड़की का नाम भी मुनिया था, मुझसे कई बार कहा करती थी, पता नहीं उस बेचारे को अच्छा हुआ या नहीं। राम जाने मालकिन, अरे तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है, चल मुझे डिबिया ढूंढ के। भला क्या नाम था उसका? राम प्यारी। वो कोई और होगी मालकिन, इसकी माँ का यानी मेरी सासू जी का नाम तो था श्याम दुलारी, और फिर भगवान की कृपा से मालकिन हमारे हाथों एक बच्चा भी है। चल। मगर राम प्यारी थी भी नहीं गोरखपुर की, बनारस गई थी नौकरी छोड़कर। मालकिन इसका नाम मुनिया तो मैंने रखा है लाड से, इसकी माँ ने तो रखा था कर्मोजली। हट, मेरा नाम तो गंगाजली है। कभी इसको मैं नाम से नहीं बुलाता मालकिन, इसलिए नाम याद नहीं रहता। मैं भी कभी इसे बुद्धू कभी बुधुआ कह देती हूँ प्यार से। मालकिन कभी कभी मुझे उल्लू और कभी उल्लुआ भी कह देती है। जोड़ा बहुत अच्छा है। एक ही उम्र की है ना मालकिन। चल। कितनी बार समझाऊं तुझे कि भूल जा अपनी माँ को। मालकिन ने पूछ के तो क्या जवाब देती? कह देती कि माँ भी मर गई है। लो अच्छी भली माँ को मार दो। अरे मूर्ख, पहले ये फैसला कर कि तुझे अपनी माँ चाहिए या ये बच्चा। वो बुढ़िया तो एक सूखा पेड़ है, आज गिरा या कल ये फूल जैसा बच्चा भी अपने हाथ से गवा बैठेगी। मैं बतेरा झूठ तो बोलती हूँ, और क्या चालाकी करूँ। तूने मुझे मालकिन के सामने मुनिया क्यों कहा था? मुनिया सच बता, ये बच्चा तुझे बावड़ी पर मिला था या तेरी माँ तुझे दे गई थी? खा मैं चकी सौगंध। नहीं खाती। सच बता दे मुनिया, नहीं तो हम दोनों को जेल हो जाएगी और बच्चा भी हाथ से जी जाएगा। क्यों? माली ने कहा था ना कि एक बरस हुआ मालकिन का बच्चा अस्पताल से चोरी हो गया था, और अभी अभी मालकिन ने कहा कि उनकी जेठ के यहाँ एक आया थी जिसका नाम था राम प्यारी, और राम प्यारी की एक लड़की जिसका नाम मुनिया, और उसके यहाँ बच्चा नहीं होता। तेरी माँ को नौकरी छोड़े हुए भी आज एक बरस होता है ना? पर वो राम प्यारी तो बनारस गई थी और मेरी माँ है गोरखपुर की। हाँ इसी से तो मुझे शक हुआ, तेरी माँ ने झूठ बोला होगा कि वो पकड़ी ना जाए, और बच्चा इसलिए चोरी किया होगा कि तेरी गोद सुनी ना रहे और मैं दूसरा ब्याह ना कर लूं। मुझे यकीन हो गया हमारा केशव मालकिन का ही बच्चा, नहीं तो वो इसे इतना प्यार क्यों करे। कुदरत ममता खून का रिश्ता भी तो कोई चीज होती है। माँ ही दे गई थी उसे, भगवान के वास्ते मुंह न खोलना, मैं कभी माँ का नाम नहीं लूंगी। अगर मालकिन ने केशव को वापस ले लिया तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है इसे, मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मालकिन नहीं, मैं ही हूँ उसकी माँ, मैं हूँ उसकी अम्मा। केशव के बापू, दिल्ली छोड़कर कहीं और ले चलो मुझे और मेरी लाल को, कहीं और ले चलो, कहीं और ले चलो। मेरा बेटा जल जाएगा तो अंधेर हो जाएगा। मुनिया
ना मैं तेरा रोना देख सकता हूँ, न मालकिन का नमक हराम कर सकता हूँ। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे अपना मुंह बंद करके। केशव हमारे दिल में भी उजाला करता रहेगा और मालकिन के दिल में। केशव का पापा, चुप, केशव का पापा, जिस भूख के मारे को बरसों के बाद एक रोटी का टुकड़ा मिले वो किसी दूसरे की भूख कैसे मिटा सकता है। पर मैं हमेशा के लिए थोड़ा दे रहा हूँ बच्चा मालकिन को, तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखती? केशव हमारा ही रहेगा। मुझे तो तुमसे डर लगता है, कहीं तुम। केशव मुझे भी जान से प्यारा है मुनिया, लेकिन इतना तो हमारा फर्ज होना चाहिए कि कभी कभी उसे मालकिन के पास ले जाया करें, आखिर वो भी माँ है। मैं तुम्हें इसके लिए मना नहीं करती, पर तुम्हें मेरी जान की सौगंध कभी मुंह नहीं खोलना। अच्छा बस thank you.
ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट का रास्ता गुजरा हो। बैठो बैठो। तुम्हारी मम्मी की तस्वीर देखने में ऐसा खो गया था कि पता ही नहीं चला कब और कैसे वक्त गुजर गया। अरे अरे, तो सर देखते देखते तुम्हारी आंखें भी छप गई होंगी। बैठने से पहले किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ। मेरी आंखों की रोशनी बहुत तेज है रीता। इस तस्वीर में मैं उस वक्त की झलक देख रहा था जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी उम्र की होती। क्या मतलब? मेरा अंदाजा है जवानी में तुम्हारी मम्मी जरूर एक खूबसूरत बला होगी। शट अप। शायद तुमने मेरे कहने का मतलब ही समझा रीता, वरना शट अप के बजाय थैंक यू निकलता तुम्हारे इन गुलाबी गुलाबी होठों से। मिस्टर राजेंद्र। यस मिस रीता। मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। बदतमीजी? लड़कों के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर लड़कियां बहुत खुश होती हैं आजकल, और मेरा तो दिन रात यंग मॉडर्न लड़कियों की सोसाइटी में गुजरता है। मिस्टर राजेंद्र। यस। आई पिटी, तुम बहुत बदकिस्मत हो। क्यों? रामेश्वरी जैसी देवी के पास और केशव जैसे जेंटलमैन के साथ रहकर भी तुम नहीं सुधर सकते। व्हाट डू यू मीन? उस नौकर के बेटे के साथ मेरा मुकाबला? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंडरफुल। May I have the pleasure of your departure? Bye. Bye. क्यों राजन? अरे आए भी और चल भी दी। केशव के नाम से चिढ़ के जा रहे हैं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। देखो आंटी, अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया, फिर भी रीता न जाने मुझे क्या समझती है। क्यों बेबी, तू क्यों बेचारे को सताया करती है? आओ बेटा बैठो। मम्मी, काने को काना कहने की तो मेरी आदत नहीं। क्यों राज, मैंने तुमसे आज तक कभी कहा कि तुमने 4 बरस तक एड़ी रगड़ने के बाद बीए पास किया है, और वो भी थर्ड क्लास। थर्ड क्लास हो या फर्स्ट क्लास, पास तो हो गया। और मालूम है मम्मी, केशव सारी दिल्ली में फर्स्ट आया है। चलो अच्छा हुआ, करीब माँ बाप के भाग जाग गए। 200-300 की नौकरी तो मिल जाएगी बेचारे को। और मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी की हवेली अलग, छोटी माँ का बंगला अलग, सब कुछ मुझे ही तो मिलने वाला है। और क्या, इतने बरस हो गए हैं, अब कहाँ मिलेगा रामेश्वरी का बेटा? मेरी बेचारी, वो बेचारा उठा लिया गया अस्पताल से। बेटी, तेरे डैडी की तो बहुत इच्छा थी ये बदला चुकाने की, लेकिन जब वक्त आया तो वो खुद ही चले गए। मैं ही किसी दिन जाऊंगी रामेश्वरी के पास। मैं समझी नहीं मम्मी, आप ये बदला कैसे चुकाएंगे? तो फिर तुम ग्रेजुएट काहे की हो, इतना भी नहीं समझते? तुम्हें छोटी माँ की बहू बना के, यानी इस मॉडर्न जमाने में ये शर्म। खैर आंटी, मुझे मंजूर है, आपको न छोटी माँ से बात करने की जरूरत है न बड़ी माँ से। अच्छा आंटी, अभी इजाजत लूंगा। थैंक यू आंटी। मम्मी, मैं किसी कीमत पर भी सावारे से शादी करने को तैयार हूँ। रीता, 2 घरों की जायदाद तो होगी इसके नाम। बेटी, पैसा सब आइटम पर पर्दा डाल देता है, और पैसा ही बर्बाद कर देता है नासमझ बच्चों को। एक ही घर में 7 साल बड़े, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का फर्क है राजेंद्र और केशव में। मेरे होते हुए तुम्हें रुपयों की क्या चिंता है केशव? तुम बेशक एमए का दाखिला भेज दो, मैं जो बैठी हूँ। नहीं मालती, आपके पहले इतने आसान है मुझ पर कि मैं। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है केशव कि तू एहसान की बात मत किया कर, न जाने तुमसे मेरा किस जन्म का नाता है। मैंने आपको हमेशा मां से बढ़कर समझा है, लेकिन सोचता हूं कहीं नौकरी करके जिन्होंने जन्म दिया उनको भी आराम पहुंचा। तू हमारी ना सोच बेटा, तू हमारा नहीं इस देवी का है जिसने पढ़ा लिखा कर तुझे आदमी बनाया, नहीं तो रहता मेरी तरह मजदूर का मजदूर। नहीं चरणदास, तुम्हारा बेटा खुद होनहार है। बड़ी तकदीर वालों के यहाँ ऐसे लाल जन्म लेते हैं। जाते कहा हूँ बेटा, मालकिन से सारी बात कह दो ना। हाँ केशव, क्या बात है,
तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोलता मालकिन, लेकिन जब से कॉलेज पास किया है रोज हमें नौकरी छोड़ने को कहता है। राजेंद्र की वजह से? यही बात है मालकिन। बुरा नहीं मानना मालकिन, राजबाबू ने इसका यार दोस्तों में उठना बैठना मुश्किल कर दिया। बापू क्या फायदा? फिर हमारी कान क्यों खाते हो? कह दो ना मालकिन से सब बात। हाँ चरणदास, मैं सब सुनना चाहती हूँ। केशव, बापू को जो कहना हो कहने दो। अच्छी बात, कह दो बापू। ऐसा कुछ नहीं मालकिन, कभी नौकर का बच्चा, कभी भीख के टुकड़ों पर पलने वाला, भिक्षा चंदे पर बीए करने वाला। और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम्हें रोकता कौन है जाने से? राजेंद्र, माँ बाप को साथ लेकर मेरी शिकायत करने आया है चुगलखोर? हिम्मत हो तो मुझसे बात कर। खामोश, खबरदार जो आगे कुछ कहा। केशव की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आप हमेशा इस भीख मंगे की तरफदारी क्यों करती है छोटी माँ? भीख मंगा, तुम ऐसी बात कहते हो, शर्म नहीं आती राजेंद्र? मालकिन, आप मेरे लिए इनके मुंह मत लगिए। चलो ठहरो केशव। आज ये फैसला होके रहेगा, ये केशव रहेगा इस घर में या मैं। हम ही चले जाएंगे भैया, मालकिन को इस तरह आंखें ना दिखाया। केशव, केशव। मालकिन आप चिंता ना करें, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। राजेंद्र जाओ, केशव से माफी मांगो। नहीं छोटी माँ, ये मुझसे नहीं होगा। क्या करूं, मैं जिसे अपना बनाती हूं वही मुझे बेगाना समझता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो फिर अपने क्यों दूर चले जाते? नहीं बाप, मैं यहां नहीं रह सकता, खुददारी भी तो खुद ही है। बेटा, मालकिन के एहसानों की कोई कीमत नहीं। जब तू बच्चा था तुझे अपनी गोद में खिलाया, बाहों में झुलाया, नौकर का नहीं अपना बच्चा समझकर पाला है उन्होंने। पढ़ लिख के आदमी अपनी ही सोचता है कि दूसरों की भी? दूसरों की सोच के तो बार बार तुम्हें यहां से जाने के लिए कहता हूं मां। मां, अगर मेरी वजह से राजेंद्र घर छोड़ चला गया तो कितना दुख होगा मालकिन। मुझसे उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। तू नहीं समझता बेटा, तेरे जाने से उन्हें और भी दुख होगा। हम मुंह नहीं खोल सकते हैं बेटा, पर आखिरी दम तक हम यहीं रहेंगे, ये हमारा परम है। मालकिन की सेवा ही तेरा फर्ज है बेटा, जहां तक हो सके उनके एहसानों का बदला चुकाने की सोच। ठीक है, यही कोशिश करूंगा, यही रहूं। शाबाश बेटा, शाबाश। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि मालकिन के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊं। बापू, मैं एक दोस्त के घर हुआ हूं, एक बात याद आ गई। जाओ बेटा, जाओ। केशव की मां, मेरा मन कहता है कि अब मुंह खोल दे। क्यों, अब तो वो यहां रहने को मान गया है बेचारा? अपने मन से नहीं, हमारे मजबूर करने पर। खुद मालिक होते हुए क्यों धौंस सहे बेगानों की? तू तो जितना ही बुढ़ा होता है उतना ही बुढ़ा। क्यों, अब कौन हमारी बात मानेगा, उल्टा ही चोट ठहराए जाएंगे। कौन जाने माँ भी जिंदा है या नहीं, जो सबूत दे के बच्चा हमें ही नहीं चुराए। और मालकिन शायद ये भी सोचे कि हम जायदाद के लालच में झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुंह बंद ही रखो। तशरीफ रखिए। हेलो, हेलो मिस्टर केशव। हेलो, माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जी नहीं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, मैं एक काम से हाजिर हुआ। आप? और मुझसे काम?
फरमाइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ? आपने एक दिन कॉलेज में जिक्र किया था ना कि हॉस्पिटल में आपके बजाय रामेश्वरी देवी के बच्चे को उठा लिया गया था। जी हाँ, मैंने कल ही ये वाकया याद किया। हाँ बेटा, कुछ पता चला उस बदनसीब का? जी नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई बार बार कह रहा है कि वो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान करे आपकी दिल की आवाज सच निकले। बैठिए ना। इसी उम्मीद पर मैंने आज से तलाश शुरू की और इसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने चलाया। पूछो बेटा। आपको कैसे यकीन है कि बच्चा उठाने वाला आप लोगों का ही दुश्मन था? दुनिया में हर फसाद के जड़ पैसा ही तो है बेटा। मेरे दिल पे तो ये बात कभी कभी बोझ बन जाती है कि हमारी दुश्मनी का शिकार कोई और हो गया। जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। आपको किसी पर शक तो हुआ होगा? दौलत जायदाद के पीछे अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। शक तो कईयों पर रहा लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तब एक गुमनाम चिट्ठी आई थी डैडी के नाम। आपको याद है चिट्ठी में क्या लिखा था? नहीं, उन्होंने चिट्ठी पुलिस में दे दी और उसी दिन अस्पताल से मुझे घर ले आए। उस चिट्ठी के बाद कोई और चिट्ठी भी आई थी? मुझे नहीं मालूम, आई भी होगी तो उन्होंने पुलिस में दे दी होगी। बेचारे मुझसे जिक्र भी नहीं करते थे कि मैं सहम ना जाऊं। सेठ जी स्वर्गवास कैसे हुए थे, बीमार रहकर या? बीमार रहकर, उनकी मौत किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुई। आप यही पूछना चाहते थे ना? जी हाँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। खोए हुए लड़के की खबर लगे तो जरूर बताना, पता तो चले कि कौन दुश्मन था हमारा। हाँ मिस्टर केशव प्लीज। जी बहुत अच्छा। मम्मी मैं इन्हीं से ट्यूशन ले लिया करूँ? हाँ हाँ ले लिया करो, क्या हर्ज। जी मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? जी हाँ जी, बात यह है कि मम्मी मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करने दे रही और मैं हिस्ट्री में प्राइवेट एमए करना चाहती हूँ। आप मुझे ट्यूशन देंगे? ट्यूशन? ये तो आप मेरी मदद करना चाहती हैं, मुझे मंजूर है। थैंक यू। आपको कुछ एडवांस की जरूरत हो तो मेरा मतलब ये है कि दबी हुई बात को रेलने में शायद आपको कुछ पैसों की जरूरत हो। जी हाँ, फिलहाल मैं ऐसी नौकरी भी नहीं चाहता जहाँ मुझे तलाश के लिए ज्यादा वक्त ना मिले, इसलिए आपकी ट्यूशन फौरन मंजूर कर ली। मालकिन के बेटे की तलाश मेरी जिंदगी का सबसे पहला फर्ज है। I love the spirit. Thank you. एडवांस को लेके जाइए। ट्यूशन तो शुरू हो लेने दीजिए। आप कल से ही शुरू कर दीजिए। जी कल शाम को हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा
बादशाहों के दिलों पे राज करती है। कभी तो ये गरीबों के भी सर पे ताज धरती है, कभी ये बादशाहों के दिलों पे राज करती है, दिलों पे राज करती है। इसी के दम से दुनिया है, इसी से जिंदगानी है, इसी के दम से दुनिया है, इसी से जिंदगानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं, कभी होठों पे हंसती है, कभी आंखों में रोती है। कभी ये एक बिजली है, कभी शबनम खामोती है। कभी होठों पे हंसती है, कभी आंखों में रोती है, कभी आंखों में रोती है। कभी ये आग शोला है, कभी ये आग पानी है, कभी ये आग शोला है, कभी ये आग पानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं, वो एक धड़कन पुरानी है, ये किस्सा हर नजर का है, ये हर दिल की कहानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं, वाकई वही है। बात यह है वकील साहब कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने मालकिन की बदौलत, और अगर मैं उनके बेगर्ज एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश नहीं करता तो मुझे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। वेरी गुड। और ये कर्ज चुकाने का मुझे यही एक रास्ता सूझा है कि मैं मालकिन के खोए हुए बेटे की तलाश करूं। बहुत खूब, शाबाश। शुक्रिया। आप जो भी फीस कहेंगे मैं नजर कर दूंगा। एक बार मैं पुलिस की फाइल देखना चाहता हूं, मेरी इतनी मदद फरमा दीजिए। हेलो रीता। मम्मी उस कमरे में। उनसे तो सब तय हो गया, मैं तुम्हीं से बात करने आया हूं। मुझे फुर्सत नहीं है। कौन सी किताब ढूंढ रही हो? मैं The Loves of Prince Selim and Anarkali. आज इस मोहब्बत के दास्तान पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? मिस्टर केशव आ रहे हैं मुझे ट्यूशन देने के लिए। ट्यूशन? जी हाँ, ट्यूशन। नहीं रीता, वो यहाँ नहीं आ सकता। तुम क्यों आते हो? मैं तो पहले से आता हूँ। तो अब वो भी आया करेंगे। नहीं नहीं रीता, मैं उसे यहाँ नहीं देख सकता। तो यहाँ मत आया करो। तुम सुन तो चुकी हो रीता, हमारा क्या रिश्ता होने वाला है। और तुम भी सुन लो राजेंद्र, ये रिश्ता नहीं होगा। ओ, तो अब केशव पर मरने लगी हो? आप पे कब मरती थी जनाब, ये आपसे किसने कह दिया? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। दुनिया शायद धोखे में हो, मैं नहीं। तुम खुद धोखे में हो रीता, जो एक मामूली नौकर के बेटे से दोस्ती बनाना चाहती हो। मैं ऊंच नीच नहीं मानती। अच्छी बात है, जिसके लिए मुझे ठुकरा रही हो मैं उसे नीचे दिखा के ही रहूंगा। बड़े गुस्से में हो राजेंद्र, रीता ने फिर कुछ कह दिया है क्या? वो तो पागल हो गई है केशव के इश्क में। क्या? मुझे इसकी बातों का रंज नहीं आंटी, मगर केशव के बच्चे का सर तोड़ डालूंगा। मोहब्बत की ट्यूशन देने आ रहा है, सलीम और अनारकली के दास्तान पढ़ाने। इसकी बकवास मत सुनिए मम्मी,
ये खुदावारा है इसलिए दूसरों को बुरा भला कहता है। अब समझी, इसीलिए राजेंद्र को आवारा कहती थी, इसीलिए केशव की तारीफ ही करती थी। किसी की सच्ची तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है मम्मी। और ये ट्यूशन मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए रखी थी मम्मी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रीता, ये उम्मीद नहीं थी। मैं आज ये क्या सुन रही हूँ रीता? मेरे दिल में कोई पाप नहीं है मम्मी, केशव मुझे पसंद है। मैं ये भी आपसे छुपाना नहीं चाहती। दूर हट निर्लज्ज, जैसी ही बेशर्म लड़की कलंक लगाती है खानदानों पर। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। अपने खानदान की इज्जत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। डैडी का नाम और उसी इच्छा को कुचल देना चाहती है तू। उनकी मर्जी पर फूल चढ़ाना क्या तेरा फर्ज नहीं? आप नहीं समझती मम्मी, राजेंद्र को पहचान कर डैडी अपनी मर्जी जरूर बदल देते और मुझे इस नर की आग में झोंकने को कभी तैयार ना होते। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तेरी? मम्मी, मैं अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहती और ना ही आपको। मैं जिंदगी भर यूं ही बैठी रहूंगी, मगर शादी करूंगी तो सिर्फ केशव से। चुप! खबरदार जो उस कंगाल का नाम लिया मेरे सामने, अगर वो फिर ट्यूशन पर आया तो धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मम्मी, मैं खुद ही उनसे कह दूंगी, आप उनकी बेइज्जती मत कीजिएगा। अजी धर्म से बोलते क्यों नहीं? केशव तो फिर झगड़ा करके आयो क्या? राम जाने रामेश्वरी को क्या लगन है उस नौकर के बेटे से, उसके सामने मेरे राज को कुछ समझती नहीं। रीता भी उसी कमीने पर दीवानी हो गई है माँ, आज जो बेइज्जती की है उसने मेरी, मैं बता नहीं सकता। धर्म से तो रीता केशव को प्यार करने लगी है क्या? हाँ। हाय राम, ये कहाँ से मेरे बच्चे मनान तबका? उसे तो मैं खुद ठीक कर लूंगा, आपसे कुछ बन पड़े तो रीता की माँ को समझाइए, मैं रीता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाय 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 हाय, तू फिक्र ना कर मेरे लाल, हम आज ही उनके घर जाएंगे। तुम जल्दी से कोट पहन लो जी, देख क्या रहे हो? अजी देख क्या रहा हूँ मैं, आज ही सगाई का नारियल खरीद कर नहीं लाया। खरीद के? ओह, मेरा मतलब है लेकर नहीं आया तो मेरा नाम पिछन सहाय नहीं है धर्म से। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। धर्म से अब जाओ भी। बेटा तू जरा लेट जा, तेरे बाबूजी के मुंह से निकली हुई बात आज तक कभी सच्ची नहीं हुई। क्या? मेरा मतलब कभी झूठी नहीं हुई। हाँ बहन जी, राज जैसा लड़का आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। धर्म से अजी वो तो शादी से पहले ही दीवाना हो रहा है, आपकी लड़की का गुलाम होकर रहेगा। हाँ बहन जी, अपनी लड़की को समझाइए, केशव तो राज की जूती के बराबर है। धर्म से मुझे इतनी जल्दी नहीं है, पहले रामेश्वरी जी आपके बेटे को गोद ले लें फिर सोचूंगी। अजी रामेश्वरी तो आज भी राज के नाम पर सब कुछ करने को तैयार है, मगर मैं ही टाल रहा हूँ। वो क्यों? वो गलती इनकी और क्या। बहन जी बात यह है, मैं सोचता हूँ कि जब तक बेटा मेरे नाम पर चलता है चलता रहे, गोद में चला गया तो बाप का नाम बदल जाएगा, इसलिए। बस इसी बात से हमारे कुल का अंदाजा लगा लीजिए बहन जी, एक ही बेटा है और वो भी पराया कर दिया है। धर्म से अपने बेटे का कुछ तो भला सोचा होगा आपने। हाँ बहन जी, औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ तो बच्चे की तकदीर होती है और कुछ माँ बाप की कोशिश। अजी क्या बात करती हो धर्म से, हमने राज को क्या किसी लालच के लिए दिया है क्या? मैं कब कह रही हूँ। क्यों बहन जी, आप तो मेरा समझ गई नहीं होंगी ना। जी हाँ समझ गई। धर्म से तो फिर अभी मंगवाइए नारियल और हमारी झोलियों में डाल दीजिए, सभी दिन अच्छे हैं बहन जी, आजकल मुहूर्त कौन देखता है धर्म से। इस सगाइयां तो बीत आती हैं रोज बड़े बड़े घरों से, मगर मेरा दिल तो आपको और आपके इस घर को देखकर प्रसन्न हो गया। धर्म से नहीं तो मैं और लड़की वालों क्या चल कर जाऊं? राम 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 राम, जिसको गरज हो 100 बार आके माथा रगड़े। धर्म से जी मैं ऐसी गरजमंद नहीं हूँ बहन जी। धर्म से इसने आपकी बात तो नहीं की बहन जी? लो आपने अपनी बात समझ ली, हद हो गई है। माफ करना बहन जी। अच्छी बात,
बैठिए ना, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल। मेरे सर में दर्द हो गया, मैं बैठ नहीं सकती। अच्छा तो आप खड़े रहिए, कृष्णा आपका सर दबा देती है। हाँ नहीं, रहने दीजिए, मैं बाम लगा लूंगी। अब उठो बिना बहन जी। क्या? मेरा मतलब है श्रीमती जी धर्म से। रीता मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे बाप ने कभी तुझे फूल से भी नहीं मारा, मैंने तो तुझ पर हाथ उठा, मुझे माफ कर। ऐसा ना कहिए मम्मी, बच्चों का दोष हो तो उन पर हाथ उठाना माँ बाप का फर्ज है। राजेंद्र के माँ बाप को मैंने आज अच्छी तरह पहचान लिया, ऐसे पाखंडी और लालची माँ बाप का बेटा कभी नहीं सुधर सकता। मैं हार मानती हूँ बेटी। मम्मी केशव को मना मत करना, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बेटी, आदमी अच्छे गुणों से बड़ा कहलाता है। मम्मी हाँ बेटी। ये तो बताइए आपकी तलाश कहाँ तक पहुंची? कल पुलिस की फाइल देखूंगा, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोगों से दुश्मनी और वो गुमनाम चिट्ठी तफ्तीश कर बदलने के लिए मुजरम की चाल थी। यानी कि दुश्मन रामेश्वरी देवी का ही बच्चा उठाने चाहते थे? जी हाँ, वरना आप लोगों का दुश्मन एक आध बात और जरूर करता। लेकिन रामेश्वरी देवी से किस सालिम को ऐसी दुश्मनी होगी? जिसकी नजर उनकी जायदाद पर होगी। आज राजेंद्र के माँ बाप आए थे, मम्मी ने उनको देखकर मेरी शादी का इरादा बदल दिया। मम्मी को दोनों महापाखंडी और लालची लगे, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। जानता तो हूँ मगर जुबान नहीं खोल सकता। अच्छा हम मैं चलता हूँ। चलिए चलिए। आप? जी हाँ, अपनी गाड़ी में आपको घर तक छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ मत कीजिए। मुझे तो खुशी होगी, वैसे अगर आपको मेरे साथ बैठते हुए कोई इतराज है तो कह नहीं सकती। मैं तो ऐसे आपका मुलाजिम, चाहे यहाँ बिठा लीजिए चाहे गाड़ी में। और अगर दिल में बिठाना चाहूं तो? जी इतने वर्ष कॉलेज में साथ पढ़ते रहे, आपने आपने ऐसा मजाक पहले तो कभी भी नहीं किया। ये मजाक नहीं केशव, जो बात मैं अपनी माँ के सामने कह सकती हूँ वो आपके सामने भी बिना झिझक कह सकती हूँ। Thank you.
हमको भी तन्हाइयों में नींद ना आई, ले लो चाहे चांद सितारों से गवाही। हमको भी तन्हाइयों में नींद ना आई, ले लो चाहे चांद सितारों से गवाही। जाने भी दो हमको एक बार है, मैंने कहा तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा। चाहते हैं और क्या कहें, अब तो तमन्ना है तेरे दिल में ही रहे। हम भी यही चाहते हैं और क्या कहें। फिर मेरी जान, हाँ मेरी जान, बहार ही बहार है, मैंने कहा तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा हमको कभी निकार है, मैंने कहा। मुझे नहीं नहीं बेटा, इस तरह दुश्मनी नहीं चुकाते, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। अजी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम्हारी माँ है, उल्टी सीधी बकवास करके बंदी बात बिगाड़ दिए। छोड़ दो, तुम दोनों से मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, अपना रास्ता मैं खुद बना लूंगा। राजू, हमने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा, धर्म से अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए, तू आराम से बैठ। आपसे कुछ नहीं होगा, एक पैसा तक नहीं लिखवा सके मेरे नाम। अजी तुम सबर तो करो, ये भी हो जाएगा। कब? जब रामेश्वर मिल जाएगा। अरे वो क्या, अब जमुना से निकल पड़ेगा। तुम भी फांसी पर चढ़ा कर रहेगी धर्म से, तेरी भी जबान काट डालता तो अच्छा था। क्या बात है बाबूजी, अजी तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। कुछ नहीं बेटा, तेरे हाथ में बंदूक देखकर न जाने मेरी जबान से क्या निकल गया। निकल गया, अब बेटे को पिला ठंडा पानी, मैं चला हूँ रामेश्वर से बात करने धर्म से। अरे पर ये बंदूक तो छोड़ते जाओ, चले हो दुनिया को दिखाने के बाप दादा हवेली के साथ बंदूक भी छोड़ पड़े। ओहो ले मत। ना बाबा, मुन्ने को दे दो, मुन्ने को दे दो। अरे जान किसे तैयारी नहीं होती, कारतूस भरे होंगे, कारतूस भरे होंगे, कारतूस। आप चाहे बुरा माने लेकिन राजेंद्र की तरफ से मेरे दिल को तसल्ली नहीं। उसकी शादी की इतनी जल्दी क्या है? धर्म से तुम मां नहीं हो ना बहू, इसलिए राज की खुशी अपनी दिल से गुजर रही हो। मुझे आपसे इसी नाम की उम्मीद थी। क्या? मैं तो उसकी भलाई के लिए ना कह रही हूँ, आप न समझे तो आपकी मर्जी। अजी रीता की शादी जब कहीं और हो जाएगी तब राज की भलाई होगी। क्यों? रीता से और भी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती हैं। अजी लड़कियाँ तो और मिल सकती हैं, मगर इतनी दौलत तो और नहीं मिल सकती। विधवा माँ की एक ही लड़की है, न कोई भाई है और न कोई बहन है धर्म से। आपको जायदाद का लालच होगा मगर मैं किसी विधवा को धोखा देना नहीं चाहती। अजी हम धोखा देना चाहते हैं। आप अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। देखो बहू, तुम पैसे का गुरूर में ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा बड़ा जेठ हूँ। पैसे की लालच में आप भूल गए कि मैं आपके छोटे भाई की बेवा हूँ। खैर मैं ये आज साफ साफ सुनना चाहता हूँ कि तू राज को बाकायदा गोद लेने को तैयार है या नहीं। नहीं। जायदाद राज के नाम पर लिखने को तैयार है या नहीं? नहीं। तो फिर सुन ले बहू, अगर तुझे उम्मीद है कि तेरा रामेश्वर वापस आएगा तो ये तेरी भूल है, क्योंकि रामेश्वर खत्म हो चुका है। नहीं। अजी जब तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा है तो हम क्या करें? ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं सब कुछ राज के नाम लिखने को तैयार हूँ मगर भगवान के लिए मेरी आस न तोड़िए, मेरी आस न तोड़िए। मैं गुस्से में न जाने क्या आता हूँ, बक जाता हूँ बहू। तू धीरे रख, अगर आत्मा कोई चीज है ना तो हमारा रामेश्वर अवश्य जिंदा है। जिंदा है? हाँ। आजकल किस सोच में रहते हो बेटा, कौन सी चिंता लगी हुई है? किसी से प्रेम करने लगा है क्या? नहीं बापू, मुझे लगता है मालकिन के बेटे की पूरी तलाश नहीं। जिनका काम था पूरा जोर लगाया होगा उन्होंने, तुम्हें क्या मतलब? अकेली पुलिस क्या करती बापू, मालकिन बेचारी औरत जात
अगर राजेंद्र का बाप कोशिश करता तू तो क्यों पड़ता है इस फेर में बेटा? आज इतना तो मालूम हो गया कि राजेंद्र के माँ बाप बड़े लालची। लालची हो या धर्मात्मा हमें क्या, खामखा किसी से दुश्मनी मोड़ लेना ठीक नहीं बेटा। मालकिन की जायदाद का सिवाय राजेंद्र के और किसे फायदा पहुंच सकता है? और कौन उठवा सकता था बच्चा? फिर वही पागल पर। भगवान के लिए मुंह बंद रखो बेटा। देख बेटा, मैं हाथ जोड़ता ये हमदर्दी मालकिन से भी ना जताना। नहीं बाबू, मैंने उनसे तो जिक्र नहीं किया, कहीं बेटे की याद से बेचारी दुखी ना हो जाए। अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। मुझे तो तेरी बातों से डर लगने लगा है बेटा। इसमें डरने की क्या बात है माँ, चोर जरूर घर में है। क्या, क्या? इसीलिए तो पकड़ा नहीं गया। आप क्यों घबरा रहे? नहीं तो मैं तेरे पांव पड़ता हूँ बेटा, बूढ़े माँ बाप पर मेहरबानी कर, ना किसी को चोर बना ना सबका। हाँ तुम्हारे बाबू बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब आगे से आप लोगों के सामने कभी मुंह नहीं खोलूंगा, बस। अच्छा अभी तू सो जा। ओके शुक्रिया। सो जा। शाबाश शाबाश बेटा। अरे शाबाश शाबाश क्या, काम हम करते हैं शाबाश तू करती है। अरे तुम तो काम का नाराज हो रहे थे, तुम्हारा काम बन गया, रमेश भी मान गई है। मान गई? धर्म से। अरे तू यार क्या कर रही है, बेटे के सामने तो इज्जत किया कर, खड़े हो जा। और बाबूजी रीता से सगाई कब होगी? अजी सगाई क्यों नहीं होगी, इधर रमेश ने गोद में लिया, उधर जब नारियल दिया। अजी वो ऐसे नहीं मानेंगे, मैं तो कहूँ उन्हें भी एक डरावे की चिट्ठी लिख दो। और तेरा बेड़ा घर को तू अपनी जबान बंद नहीं करेगी क्या? बाबूजी आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? छुपा कह रहे हैं, तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। कुछ नहीं बेटा, वो बात ये है, तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम बन गया, तुम जाओ ना, वरना रामेश्वरी कहेगी 12 बजे तक आवारा गर्दी करता रहता है। हाँ बेटा, 2-4 दिन उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। जी बहुत अच्छा, तो जाओ। अजी हटो ना, बैठने दो। अजी तुमने बैठने को रखा है, कहाँ है, बैठने दो। मेरी तो शामत आ गई है आज, बुरे दिन आते दिखते हैं। दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं कि तुम इस बुढ़ापे में हवाला पे चक्की पीते की चक्की। अजी तुम तो खामखा डरते हो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी किस्मत में जीत लिखी है जीत, हार नहीं। नहीं जीत लिखी है जीत। ये तोता किसने किया है, खाते से खाता नहीं मिलता। जी मुनीम बुढ़ा हो गया है, अगर आप कहें तो कोई दूसरा आदमी रख लें। नहीं, उनके रखे हुए मैं किसी भी आदमी को निकालना नहीं चाहती, बेशक उसकी मदद के लिए कोई और आदमी रख लीजिए। जो हो लाइए इसमें। ठीक आओ केशव बैठो। अरे हाँ, मुझे अकाउंट्स के लिए एक आदमी की जरूरत है, अगर तुम कॉलेज ज्वाइन करना नहीं चाहते तो ये काम संभालो। जो आज रात की गाड़ी से मैं बनारस जाना चाहती हूँ। बनारस, वहाँ क्या है, तो फिर मुझसे भागना चाहता है? जी नहीं, एक जरूरी काम है वहाँ, 2-4 दिन के लिए जाऊंगा, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। एक मिनट बैठ जाओ, अभी तैयारी भी करनी है और ट्यूशन देने भी जाना है। ट्यूशन? जी हाँ, सेठ महाराज किशन की लड़की रीता को। रीता, जरा दरवाजा बंद कराना। जी सुनो, रीता की माँ ने राजेंद्र को पसंद किया अपनी बेटी के लिए? जी कुछ कह नहीं सकता, कल रात राजेंद्र के बाबूजी आए थे और कहने लगे अगर मैं बाकायदा लिखा पढ़ी करके राजेंद्र को गोद ले लूं तो ही रिश्ता पक्का हो सकता है। तो जो बात उन्होंने आज तक आपसे न कही आखिर क्या ही डाली? क्या मतलब? मालकिन ये बात किसी से मत कही, मैं बनारस गया हूँ ये भी किसी को मालूम ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो। केशव बेटा तू मुझे भी अपने साथ ले चल, राजेंद्र के बाबूजी से मुझे डर लगने लगा है, उनकी नियत पर मुझे शक हो गया है। तो चलिए, मगर हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं। जैसे तुम ठीक समझो, मगर मुझे तो यहाँ। आप चिंता ना करें, मैंने सब सोच लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, रीता मेरी राह देखती होगी। अच्छा, कितनी अजीब बात है,
कि मेरी वजह से ही वो इतने दिनों तक बचे रहे और मेरी वजह से ही आखिर उनका फांडा फूटा। बस अगर बनारस में राम प्यारे मिल गए तो मालकिन का बेटा भी जरूर मिल जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बस हाँ आधे घंटे में मालकिन यहाँ आ जाएंगी, आप अपनी गाड़ी में उन्हें स्टेशन पहुँचा दीजिए, मैं वहाँ सीधा आ जाऊंगा। क्यों? उनके साथ इसलिए नहीं जाना चाहता कहीं किसी को शक ना हो जाए। अच्छा अच्छा तुम फिक्र न करो बेटा, रीता खुद अपनी गाड़ी में पहुंचा दे। अच्छा अच्छा बाबू मैं मालकिन को ले आऊं। उसको इस वक्त रीता के घर जाने की क्या जरूरत है? कहा तो है कि राजेंद्र की सगाई की बात करने गई। जा बेटा तेरी माँ तो एक ही बात को 10-10 बार पूछी। मैं अपने बेटे से भी बात न करूं? करो मगर लाख बार समझाया कि जाते वक्त नहीं टोकते। जनाब आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही टहलने, नींद नहीं आ रही। रीता की याद सता रही थी क्या? राजेंद्र मुझे ये मजाक पसंद नहीं। और मुझे भी ये पसंद नहीं कि तुम रीता के घर के चक्कर लगाओ। मैं तुम जैसा आवारा नहीं। तो क्या मैं आवारा हूँ? मैंने अपने बारे में कहा है, मेरी रगों में शरीर माँ बाप का फोन है। क्या मैं बदमाशों का बेटा हूँ? राजेंद्र मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुझे जाने दो राजेंद्र, मुझे जल्दी है। जल्दी क्या है, दिल का गुबार तो निकाल लो। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आते ही होंगे, गाड़ी तो चलने वाली है, मैं उतर जाऊं क्या करूं? अभी तो 5 मिनट बाकी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। उतर जाती हूँ। नहीं नहीं आप मत उतरिए, शायद वो कहीं पीछे डिब्बे में बैठ गए होंगे। अगर ना बैठा तो? चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ये राम प्यारी बहुत पुरानी थी ना उन लोगों के पास। हाँ, मेरे ब्याह से पहले। क्यों? मुझे लगता है रमेश्वर उसी के हाथों उठवाया गया था। तो तू राम प्यार की तलाश में बनारस जा रहा है? हाँ, वहां से जैसे मुझे कोई आवाज देकर बुला रहा है। और मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, शायद मेरा भी वहीं जाकर कल्याण होगा। क्यों ये
कबीर के लिए कहाँ है? किससे मिलना है? राम प्यारे से, तुम जानते हो उसे? मालकिन! आप यहाँ बनारस में? राम प्यारे को ढूंढने आई हूँ, तुम जानती हो कहाँ रहती है? हाँ मालकिन, बिल्कुल पास ही में तो रहती है, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। भगवान की ये लीला इंसान नहीं जाने, क्या क्या वो खेल खेले ये कोई न पहचाने। बिछड़ों को भी मिला दे तकदीर के बहाने, समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। मैंने इधर उधर सब देखा मालूम, लेकिन राम तेरे का कहीं पता नहीं चला। मगर मुझे तो सब कुछ मिल गया केशव, ये मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैं ये पहचानती हूँ जमाने ने कितना बदल दिया है। लेकिन वही आंखें, वही नाक, वही वही सब कुछ, यही मेरे स्वामी है केशव, यही मेरे स्वामी है। मालिक, लो मालकिन, आगे राम प्यारे। छोटी बहू? क्या, छोटी बहू रात से गायब है? हाँ, और केशव भी, मगर वो तो अकेला गया था मेरे सामने। और रामेश्वरी? अरे इसको क्या पता, रामेश्वरी ये तो शराब के नशे में बेहोश पड़ा था दोपहर तक, धर्म से मैं गया तो जाकर जगाया इसे। शराब मैंने शौक से नहीं पी मां, केशव की मार से बदन चूर चूर हो गया था इसलिए पी। पर गंगा जली और चरणदास को तो पता होगा। अजी उनको भी क्या पता है, तो फिर कम से कम पुलिस में ही खबर कर दो। तुझे पुलिस के सिवाय और कोई बात नहीं सूझती, पुलिस का इतना शौक है तो जा, खुद जाकर रिपोर्ट लिखा। अच्छा अच्छा, पर ये तो सोचो कि वो दोनों गए कहाँ। अरे तू अपनी बकवास बंद करे तो कुछ सोचू। मेरी तो मत मारी गई है, चल बेटा इनको दिमाग लड़ाने दे। आ चल। धर्म से बच्चा तुमने बिशन सहाय के कहने से उठाया था या? हाँ हाँ, उसी पापी के कहने पर गाजियाबाद उतर कर दिल्ली चली आई। फिर अस्पताल जाकर खिड़की के बाहर से मैंने नर्स की बोतल में दवा मिला दी, उस निर्दयी ने मुझे पट्टी पढ़ाई, मैंने उसकी आंखों में धूल झोंक दी, बच्चे के गले से नंबर उतार कर जमुना के पुल पर फेंक दिया और विष्णु से कह दिया कि मैंने बच्चे को जमुना में बहा दिया। और सब बता दिया है तो मुनिया और बुधवा का भी पता बता देती, मगर मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ है। अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो रामेश्वर जरूर मिल जाएगा। हाँ और बताओ छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी के कहने से मैं झक्कर बाबा के पास से ताबीज लाई। ताबीज? हाँ छोटी बहू, उसी से पागल हुए हैं गंगा बाबू। मैं दिल्ली जाऊंगी तो सुइया को जरूर पकड़ लाऊंगी, वही उतारेगा इनका पागलपन। सुन तो, तू अब हवाला जाएगी या जोगी बुलाती फिरेगी? अरे तब क्या होगा, हथकड़ी पहने जाऊंगी और हथकड़ी पहने आऊंगी, लेकिन ऐसे जोगियों को जरूर फांसी मिलनी चाहिए। क्या इंस्पेक्टर साहब ठीक है ना? हाँ हाँ, और तू बच जाएगी फिर किसी और का बच्चा उठाने के लिए। राम भज गोमती, राम भज गोमती, फिर बिल्ला किया कर। अच्छा राम प्यारी, अब चलो हमारे साथ, कल तुम्हें दिल्ली पहुँचा देंगे, वहाँ तुम जोगी बाबा का पता भी बता देना। चलो भैया, अब मैं फांसी से भी नहीं डरती। अच्छा छोटी बहू, देखा ना इसी धरती पर स्वर्ग नरक है, एक बार मुनिया की सूरत देख लेती। कहा था ना कि उस चुड़ैल को बनारस ना ले जाओ। अजी इसमें हमारा क्या दोष है, विनाश का लोग अपनी बुद्धि। तहसीलदार साहब, इसको भी तो हथकड़ी पहनाओ। क्या धर्म से? आप भी चलिए। चलती हूँ, जरा एक बार बंगले जाके अपने राज्य तो मिलाऊं। तहसीलदार साहब, जिसकी खातर ये जेवर पहने उसके दर्शन तो करवा दो। आप वहाँ नहीं जा सकते, उसे हम थाने में बुला लेंगे। अच्छा। ना 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 ना, वो बेचारा तो हमारे होते हुए यतीम हो गया है। तेरी माँ, बिशन सहाय और उसकी बीवी तीनों पकड़े गए, अब तेरी और मेरी बारी है। बोल क्या सलाह है, मुंह बंद रखिए, खोल दे। जैसे चलता है ठीक है, ना हम माँ के सामने होंगे ना वो देखेगी, और कौन पहचानेगा हमें। तो बस तू पक्की रहना, मुझे तो बस तेरा ही डर है, माँ को देखने के लिए तेरा मन न तड़पने लगे। ना
मैं नहीं देखती ऐसी माँ की सूरत। अपने साथ हमें भी बेईमान बना दिया। तेरा तो कोई दोष नहीं राजेंद्र, मेरे दिल में तेरे लिए वही प्यार है, वही जगह है। चल मेरे साथ घर। नहीं छोटी माँ, जब तक केशव उस बंगले में है मैं नहीं जाऊंगा। पागलपन नहीं करते राज, तू बराबर की मारपीट की, फिर भी वो कैसे तुमसे माफी मांगने आया? कहाँ है? बाहर खड़ा है। बाहर? अंदर बुला लो, मैं चलने को तैयार हूं। अच्छा मैं बुला लाती हूं। शिकार खुद ही आ गया शेर के बच्चे, आज बच के नहीं जा सकता। मालकिन के साथ राजेंद्र को मनाने गए, वो बाबूजी जा बैठे हवेली में रूठ के अकेले। तुमने जाने क्यों दिया? दोनों में झगड़ा हो जाए तो अकेली मालकिन क्या करेगी? भगवान के लिए जल्दी जाओ, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। राजेंद्र, ये क्या? राजेंद्र, मेरा निशाना मत रखो छोटी माँ, हट जाओ सामने से। भगवान के लिए बंदूक छोड़ो, छोड़ो राजेंद्र। आखिर तुम चाहते क्या? तुम्हारी मौत चाहता हूँ मैं। राजेंद्र, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भाग जा बेटा, तुझे निशाना बनाना मेरे आसान हो जाएगा। आखिर नौकर का ही बेटा है ना, सिने पर नहीं पीठ पर ही गोली खाएगा। चला गोली। केशव बकने दे इसे, भगवान के लिए तू यहाँ से चला जा। केशव चला जा, गोली मैं सहलूंगी। नहीं नहीं मालकिन, मालकों के लिए जान देना तो हम नौकरों का फर्ज है, आपका नहीं। केशव, नौकर के बच्चे के लिए अपनी जान ना गवाओ छोटी माँ, आज मैं होश में नहीं हूँ। चला गोली, मैं तैयार हूँ। आप बेटा मत आइए मालकिन, चला गोली। राज, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। ये बंदूक रख दो राज, बंदूक रख दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए सब अंधेर हो चुका। ये तो क्या कह रहा है तू? ये क्यों समझता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? मैंने तुझे बेटे की तरह पाला है। मैं जो मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप हट जाइए मालकिन। नहीं नहीं केशव, तू मेरे लिए आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ही वजह से सब कुछ होगा, तुम्हारी ही वजह से मेरा बच्चा मुझसे छीना गया। मालकिन जाओ केशव, मुझे नहीं मालूम था कि सांप का बच्चा भी सांप निकलेगा। मैं तुझे कुचल के रहूंगा। मालकिन तू नहीं जानता केशव, तू नहीं जानता। मालकिन एक दिन इसी घर में वो भी पागल हुए थे और आज मैं मालकिन 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 चरण दास, बंदूक फेंक दीजिए मालकिन, और मैं रख हो जाएगा। मुझे माफ कर दो छोटी माँ, अपने अपनी माफी छोड़ दो, छोड़ दो। जानती है किसी की जान लेने की कितनी बड़ी सजा होती है। चरण दास ये बंदूक मुझे दे दो, ये बंदूक मुझे दे दो। नहीं मालकिन, बंदूक मेरे हवाले कर दो। छोड़ दो मालकिन, आज मैं जिंदा नहीं। छोड़ दो मालकिन, कानून अपने हाथ में लेकर सजा भुगतने के दिन नहीं, अब तो अपने बेटे की खुशियां देखने के दिन। बेटा कौन मेरा बेटा? वो देखो मालकिन, केशव मेरा बेटा नहीं मालकिन, तुम्हारा बेटा है बाबू। मेरा बेटा, आगे बढ़कर पहुंच हुआ बेटा, ये तुम्हारी नहीं मेरी मालकिन है, तुम्हारी तो माँ है बेटा। माँ? ये तो क्या कह रहा है चरणदास? मैं चरणदास नहीं मालकिन, मैं बुधवा हूं, राम प्यारी का दामाद। राम प्यारी? चरणदास, चरणदास क्या ऐसा है? ये मेरा बेटा, अमर, ये मेरा बेटा राम, रामेश्वर रामेश्वर। इतना सा था मालकिन,
जब राम प्यारी इसे मुनिया की गोद में डाल गई, हम बे औलाद थे, हमारी भूख मिटा दी इसे, हमें जान से भी प्यारा है ये, मुंह ममता के मारे अपना मुंह बंद रखा आज तक, किसी और लालच से नहीं मालकिन, किसी और लालच से नहीं। बापू, जब मुझे बापू और मुनिया को मां कहकर पुकारता है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते मालकिन, पाल पोस कर बच्चे को अपनी आंखों से दूर करना बड़ा मुश्किल होता है मालकिन, बस यही हमारा दोष है और कोई नहीं। चरणदास, तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर मालकिन मैंने तो अपना मुंह खोल दिया, लेकिन बेचारी मुनिया का न जाने क्या हाल होगा, इसे देखकर निहाल हो जाती थी, आज कहीं पागल न हो जाए, मैं कैसे समझाऊंगा उसे, मेरा तो अपना कलेजा अपने हाथों में नहीं रहा। बेऔलाद बदनसीब का दिल बड़ा छोटा होता है मालकिन। बापू 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 मत रो बापू, चरणदास मेरा रामेश्वर तुम्हारा ही केशव है, मेरा इसका तो सिर्फ खून का रिश्ता है, और तुम्हारा तुम्हारा प्यार का खून के रिश्ते से प्यार का रिश्ता बहुत बड़ा होता है चरणदास, मुझसे ज्यादा इस पर तुम्हारा और मनिया का हक है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है चरणदास, माँ माँ तुम धन्य हो माँ, बहुत बड़ा कलेजा है तुम्हारा। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो, समय बड़ा भगवान होता है, भगवान की लीला मुझे आज समझ में आई, जिसे रखना हो उसे वो किस तरह खतरे से दूर ले जाता है, अगर मेरा बच्चा मेरे पास रहता तो न जाने वो जाने में से। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख सहा छोटी माँ, मुझे माफ कर दो, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला। नहीं रामेश्वर नहीं, मेरे माँ बाप को भी पता लगना चाहिए कि औलाद की तड़प क्या चीज है। भैया ये तो क्या कह रहा है राजन, इसी दुनिया में उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि बेटा छीन जाने का क्या दुख होता है, ऐसे जालिम माँ बाप को मैं और क्या सजा दे सकता हूँ, उन्हें उन्हें ये जरूर बता देना कि उनका राजेंद्र खत्म हो गया। मुजरिम नंबर वन विशन सहाय, 7 साल कैद बामशक्कत। मुल्ज़िम नंबर दो मुसम्मात कृष्णा देवी, 7 साल कैद बामशक्कत। मुजरिम नंबर तीन मुसम्मात राम प्यारी, 5 साल कैद बामशक्कत।
नंबर 4 जोगी झक्कड़ बाबा 3 साल कैद बामशक्कत। कभी मजनू को दुनिया में ये दीवाना बनाती है, कभी तो दिल में लैला के ये आकर गुनगुनाती है, कभी मजनू को दुनिया में ये दीवाना बनाती है, ये दीवाना बनाती है। मोहब्बत के सिवा जो